जल्दी जल्दी जल्दी, हाथों में चूड़िया पहने हो का, उठाओ रखो, धीरे धीरे आराम से। ए तोड़ोगे का? अरे कौन है बे? ए ई सारा माल पुलिस वैन में रख दे। हमारा टाइम वेस्ट मत कर ऑफिसर, अगर हमारा 2.5 किलो का भेजा खनक गया तो ई स्मगलिंग तुमसे कराऊंगा। दम है तो करा के दिखा। भैया जी 3 तारा उछल रहा है, अपना माल पकड़ लिया है। भैया जी भैया जी भैया जी चल बे। हेलो भाई, बोल रहा हूँ। ईटैंक का काम पड़ गया। अपन वर्दी पहन के बाहर आ जा। व्हाट? अरे तुहार वार्ड की टांग बाहर आ जा। ऐसा करते हैं हम कल सुबह। अरे कानपुर में हड़ताल है का? सीधा जा, गाड़ी रोक। सामने से एक पुलिस की जीप आ रही है, उका रोक। वैन के अंदर जितना भी माल है अपन गाड़ी के अंदर रख। सर अब यहाँ वैन का सामान हमारी गाड़ी में रखो। सर जैसा कहा जाए वैसे करो। कहे थे ना। अब पुलिस वाले के अपने पास बिठा। हल्का होने के लिए रुकना नहीं, सीधा मौसमी मार्केट जा। ज्यादा चिंता नहीं कर, अब तुका चिंता बस्ती में ही जाना है। अब सीधा अफजलगंज जा। चुपचाप लाफा खा ले। जैसा बताया गया वैसे किए, फिर कहे मारे इसे? तो साथी ने हमारा 60 करोड़ का नुकसान किया। जो हमरे आगे झुकता है उका उठा देते हैं, और जो हमरे आगे अकड़ता है उका उखाड़ देते हैं। एक गुंडे से थप्पड़ खाने से अच्छा सरहद पर दुश्मन से गोली खाना। आप तो हमरे लिए रोल मॉडल है सर, आप ऐसी गलती कैसे कर हो सकते? गई हमसे गलती, बहुत ही बड़ी गलती कार्तिक। गलती का नाम है कार्तिक। बुड्ढा नहीं हो सकता। कम ऑन, नो कोलेस्ट्रॉल नो बीपी। कहीं पर भी रुकना नहीं है, समोसे खाने, नो जंक फूड। पहले राइट माँ देखो, फिर लेफ्ट माँ देखो, और फिर भाग जाओ। माँ ये देखो, ये मुरझाए हुए हैं, वहाँ देखते हैं। आज सबको दिवाली का गिफ्ट बांटना है। अच्छा वो हम टाइम पे पहुँच गए। फैमिली के बारे में हमारे विचार पढ़ो। हर जगह फैमिली फैमिली। फैमिली और इमली कभी टेढ़ी ना ही हो। समझ गए सर। सीधा रखा करो। जी इले, सिर्फ 500? नहीं तो 2000 दे। हमारे टाइम में तो इतना भी नहीं मिलता था। नहीं चलो माँ, माँ आज क्या पका रही हो? माँ आप भी रस्सी कूद ली। हम बहुत स्लिम और फिट है। केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब लोचा नहीं होता। ओके भैया, लागत है सबको पिज्जा खाना है, अभी बनाते हैं। लो ढिंचक पिज्जा। भैया दादी का पिज्जा तो देखो कैसा लगा। हमें एक पीस दो ना। किसी को नहीं मिला। नहीं ले गया। कैसा लगा? और चाहिए? लेना लेना। कल से काम पे आ। थैंक यू साहब। आपकी फैमिली कहाँ रहती है? फैमिली नेपाल में रहती है। तुम यहाँ और फैमिली नेपाल में साथ नहीं रह सकते? आदि सैलरी उनको भेज देते हैं, वो हुआ खुश, हम यहाँ खुश। अच्छा तेरे को फैमिली पिक्चर जबरदस्ती कर रहा। सबसे ऊपर फैमिली, फैमिली ही असली खजाना है, फैमिली सब कुछ है।
कल हम ये फिर देखेंगे। अरे बॉस फैमिली को फोन लगाओ। नो मोबाइल। अरे बेटा क्या हम मिलकर माथेरान जाएंगे। कॉफी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये बहुत ज्यादा हो गए। वो मैं देखो कितना दौड़ाओगे। सर घर से फोन। कौन क्लाइंट है सर? सोचूंगा, पता नहीं अब क्या होगा। क्या हुआ सर? रविंदर अपने आदमियों के साथ आया, हमारे गांव को मारा और फैक्ट्री से सामान उठाकर ले गया। इको हॉस्पिटल ले जाओ। जी सर। सर वो कार्तिक आया है। आफत है, आज तो हमारी शामत है। आके हमको रूल सिखाएगा। उसे बचने का कौन तरीका हो तो हमको व्हाट्सएप कर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हद हो गई। एक गुंडा हमारे गोडाउन से सामान ले गया। अरे कौन ले गया? रविंद्र यादव। हम है रविंदर, बहुत बड़ा हूँ दरिंदा। शैतान झुक के करत है हमको सलाम, लूटपाट है हमारा काम। तुम लूटते हो तो हम पकड़ते हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। क्या करेगा बे? यादव ऐसा काम नहीं कर सकता। 100% हुई है, वॉचमैन ने उसे देखा है। कान ही लाओ भैया, अपना तनिक जेब ढीला करो। सुन के हैरान हो जाओगे, माल था 2 करोड़ का। 2 करोड़? हाँ बोल इंस्पेक्टर। ध्यान से सुन, कार्तिक ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है। 2 लाख दिए है ना तुमको? 2 करोड़ अंदर करके सिर्फ 2 लाख। मालूम पड़ गया। चल 2 लाख और ले ले। ओ, कैश भिजवाना। अरे ओ इंस्पेक्टर, वो मस्त वाला चूरन दे और खिसका दे। ओके। अरे वो शरीफ आदमी है। सर हाथ से गन्ने का रस कभी निकला है क्या? वो कभी निचोड़ के मशीन में डालो। कार्तिक हमारी बात सुनो। जरा इधर आओ। अरे सुनो तो सही। अरे सर बस अभी 1 सेकंड में बोलना। इका रिश्वत की चटनी चटा दे, केस सॉल्व हो जाएगा। चटा देना। पूछ इका कितने में बिकेगा। शराफत गई तेल लेने। आए ठुल्ले, तुम्हारे बॉस का MRP का है? सर 2 ना 3 3.5। ए सेल की दुकान, ईमान का रेट फिक्स नहीं कियो, लानत है। ए दीदे का फाड़ रहे हो, फटे हुए दूध की चाय थी। अपने लकी नंबर के आगे 5 मंडी लगा कर दे दो। चेक चलेगा? दौड़ेगा। कौनो नाम से फाड़ना है? ए मुर्गेसन सर्कल इंस्पेक्टर। मुर्गा? अच्छा सर्कल पे सर्कल मार दो, सिर्फ मुर्गेसन लिखना। हो गया, ये एग्रीमेंट पे साइन करवा दे। पार्किंग भाड़े पर दे रहे? नहीं रे, हम एक लोन दे रहे हैं। बने उधार कर्जा का लोन? तू का समझा सनी? लोन साहब वापस करने की कोई जल्दबाजी मत करना। कौनो ब्याज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। नो गारंटर, नो विटनेस। अरे 4 लाख मिल रहा है, पटाया जाके मसाज करके आओ। छोड़ो नहीं चाहिए हमको भाई, हमका देना है। हमको छोड़ भाई, उल्टे काम करने में ज्यादा मजा आता है। अरे छोड़ो भाई, अरे हमरा हाथ छोड़ो ना तुम। शुक्रवार को हमरे साहब कंप्लेंट लिखने के लिए हाथ नहीं हिलाते। तू तो हिलाता है ना। थैंक यू सर, मंडला भारी है। ये खुद को डेढ़ शाना समझता है। पुलिस होके हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारा इलाज तो यादव करेगा। मुस्तफा कॉलेज, मुस्तफा कॉलेज, वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। रोड ब्लॉक होने की वजह से लोगन का जो तकलीफ हो रही है उसका बारे में आप क्या कहेंगे? पब्लिक का आधे घंटे का तकलीफ आपको दिख रहा है। स्टूडेंट 1 साल से जो तकलीफ झेल रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा। मेडिकल काउंसिल ने बिना नोटिस के फीस 3 गुना बढ़ा दिए, वो आपको नहीं दिख रहा। जब तक मुस्तफा ग्रुप के ऊपर इंक्वायरी कमीशन ना ही बैठता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम अपनी जान भी दे देंगे। मुस्तफा कॉलेज, मुस्तफा कॉलेज, हटो हटो, रास्ता दो, रास्ता दो। चलो चलो, कम ऑन कम ऑन, आने दो, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। डॉक्टर साहब आप कहें तो हॉस्पिटल ले चलें। कोनो जरूरत नहीं है। क्या हुआ? पापा आज बेहोश हो गए थे। अब कैसे हैं? चिंता के कोई बात नहीं है, इनका सब रिपोर्ट नॉर्मल है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से बेहोश हो गए थे। स्ट्रेस? माँ जी इनको गाजर का जूस दीजिए। 1 मिनट दादी, हम लेकर आते हैं, आप लोग बैठिए। सच बोला, कार्तिक के शादी के लिए परेशान होना। चिंता नहीं करा, समय आवे पे सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम चिंता ना ही करो। माँ दादी यहाँ हो सब? यहाँ हुआ? हमारी शादी को लेकर इतना स्ट्रेस है?
हम तैयार हैं, आप लोग भी तैयारी कर लीजिए। पर इतनी जल्दी हमको पारिवारिक लड़की मिलेगी? इंटरनेट बहन से लेकर बीवी बनाने तक हर काम के खातिर मिलती है। इके बाल बड़े हैं, इके गाल बड़े हैं, इका फूल बड़ा है, ये क्यूट है। ये शादी होकर रहेगी। आप यहाँ? हाँ, इट इज मी। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे नो बहू? आपन तो कल आने वाली रही ना। वो कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। हमरे परिवार में खाना कम और मिठाइयाँ ज्यादा खाते हैं। हमरा कार्तिक तो हलवाई बनने जा रहा था, उका फैमिली का कसम दे दे के रोका है। उका ब्लड में ही शुगर है। कार्तिक पूछे तो कहना मिठाइयाँ पुष्पा ने बनाई है। घर में चूना अच्छा मारा है, खुदाई का है? नहीं, हम तो यहाँ किराए से हैं। कार्तिक पूछे तो कहना खुदाई का है। बहू, कल के सरिया रंग की साड़ी पहनना, हमरे पोते का फेवरेट कलर है। नमस्ते जी। एक आतुस जी। दादी, लड़की को अपन फुल पावर दिखाना, तभी तो वो दबेगी ना। तुम्हारी बात हम समझ गए। नमस्ते माता जी, कैसे हैं आप? कौन हो तुम? लड़की के बाप हो का? हाँ हाँ। ए, अंदर आओ रे। आइए। घर में चूना अच्छा लगाए हैं ना? खुद का घर है का? हाँ हाँ, खुद का है। इतनी खुदम खादी काय कर रही हो? बहुआ करनी पड़ती है। हमारी बेटी पुष्पा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाय हाय। अरे, केसरिया रंग की साड़ी। बचपन में कार्तिक इसी रंग का लंगोट पहनता था, है ना? इतने गहराई में क्यों जा रही है? दोनों का पसंद कितना मिलता है ना? बैठो बेटी। ये सब मिठाई अपन हाथों से बनाए हो? जी, हमने बनाई है। हमारे कार्तूस को ना नींद में लड्डू ढूंढने की आदत है। दिखने में तो बहुत ही अच्छी है, स्वाद में कैसी है कार्तूस बताएगा। मशीन गन से भी तेज चलती है तुम्हारी ज़बान। बेटा लो ना। मावा जलेबी तो ला। अरे, ये तो हम भूल ही गए, अभी लेकर आते हैं। तुमको कैसे पता ये लोग मावा जलेबी लाए हैं? वो रसम में रखते हैं ना, इसलिए पता है। ये कोई रसम नहीं है, ये हमका दादी कांड लग रहा है। ऐसा नहीं था, पर ऐसा नहीं है। लो बेटा, आप भी लीजिए। का हुआ? ये माँ तो तेरे हाथ का टेस्ट है। अच्छा बेटुआ, अभी लड्डू अच्छे लग रहे, फिर लड्डू वाली भी अच्छी लगने लगेगी। जा, कोने में जाके रेसिपी पूछ ले। यहाँ पूछेंगे तो सभी सुनेंगे ना। अब तो रब ही जोड़ी बना नहीं पाएंगे। अरे रुको रुको रुको, तनिक टिप लेके जाओ। पहले उसकी बात सुनना, उसके बाद अपनी टिप्पणी देना। फैमिली टॉपिक अवॉइड करना, फैमिली ये होती है, फैमिली वो होती है, ये सब मत बोलना। प्यार की खाद छिड़कना। बंजर जमीन को खोद के हमने उपजाऊ बनाए हैं, देख कैसे आटे में लेता हूँ। हमारा खास दोस्त है ना, इसलिए टिप दे रहा था। लाइफ में बहुत कम लड़कियों के साथ मुझे एंजॉय करने का मौका मिला। सॉरी, मतलब हम उका एंजॉय नहीं करा पाए। ये हमारे शब्दों का तालमेल कहीं ना ही हो पा रहा। अभी शर्म का पर्दा हटाते हैं। हमारी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, हमारी दादी माँ। ये सही बात बोला। आप सच में बहुत ही क्यूट हो। आजकल ऐसा लड़के मिलते कहाँ है जिन्हें फैमिली, परिवार, खानदान। अभी परिवार का कैसेट ऑन कर देगा। फैमिली अंगूर की तरह होते हैं जिन्हें झुंड में रहना चाहिए। वेल्डिंग के जॉइंट की तरह फैमिली को जॉइंट होना चाहिए। मतलब हम दो हमारे दोस्तों चंदा मांगता है का? परिवार का नाम लेता तुम्हारा पैसा काट लेंगे। सॉरी सॉरी, समझ गया समझ गया। कब से हम ही बैटिंग कर रहे हैं, आप भी बैट का हैंडल पकड़ के बैटिंग कीजिए ना। मतलब हम ही कब से बकबक किए जा रहे हैं, आप भी हमसे कुछ बतियाइए ना। एक्चुअली हमारी फैमिली बहुत दबाव डाल रही थी, वरना हम तो ये शादी नहीं करना चाहते थे। तो क्या अय्याशी करना चाहती थी? ऐसा हमका अंदर से फील हुआ। वैसे अंदर दबाने से अच्छा है कि जज्बात को बाहर निकालो। हाँ, एक्चुअली हमारा मानना है कि साथ में घूमो फिरो, एक दूसरे को समझो और फिर शादी करो। ओ, मतलब टेस्ट ड्राइव। सुझाव अच्छा लगा। हम तुम्हारा देखेंगे, तुम हमारा देखना। स्वभाव देखना बहुत जरूरी है, वरना आजकल बिना ओपनर के ढक्कन कब खुल जाता है पता ही नहीं चलता। ये कैसी बातें कर रहा है, इसकी मिसालें मसला खड़ा कर देंगी। मन करता है यहाँ से एम लगा के थूक दे। थूक, हम दूध में खारी डुबा के खाने के आदी हैं। अपना फालतू बकवास बंद करा। यह दूध और खारी रखा है, खा लेना। बुरा ना मानो तो अपने कोमल हाथों से खारी और दूध दे दो।
हमसे रिश्ता जोड़ोगी ना, हम ये डील पक्की समझे ना। प्रेशर कुकर, बहुत धुआं निकाल दिया, चलो यहां से। पैर छूकर आशीर्वाद ले। हम पैर से जूता निकाल के मारेंगे, चलो। ओके ओके, फोन पर बता देना योर प्लेस और माय प्लेस। हां कितने खुले विचारों वाली लड़की है, हमारा फेवरेट कलर पहना है, ये जोड़ी सुपर हिट रहेगी। पर तुम्हारे विचार कब से गिर गए? सेटिंग हो गई। काका दोस्त, लड़की पसंद आई ना? लेकिन हमको लड़का पसंद नहीं है। इस बकवास कलर से हम होली भी नहीं खेलते। आपन मिठाई लेके जाओ। और ये घर खुद का नहीं, किराए का है। इतनी अच्छी लड़की कटहल की गुठली की तरह हाथ से फिसल गई। अब बैठे बैठे डंडा हिला बस। इडियट ना। तुमरा और उसकी जोड़ी खूब जमेगी भैया। अच्छा, बहुत ही अच्छी लड़की थी, हम सबको पसंद आई। हाँ, ये का बहुत ज्यादा पसंद आई। ओपनर बाटली खारी चाय पता नहीं का का बोलकर आया। स्टॉप इट। दिल के द्वार पर उन्हें वार किया है। उकारासीली सॉरी बोलूंगा, कसीली झप्पी दूंगा और घर ले आऊंगा। गंदे आइडिया दिए हमको। उका, पैरों में लिपट कर सॉरी बोलूं? नहीं नहीं, लिपटा लिपटी ना करना। वन हैंड डिस्टेंस लेकर दिल से सॉरी बोलना, वो मान जाएगी। ये सलाह हमको पसंद आई। किससे पूछूं? ओ सेनियोरा, दोंदे सला क्लास दे बाईले। काहे आए हो? हमरे किए पर मिट्टी डालना चाहते हैं। हमने जी फॉर गोट पढ़ा है, जी फॉर गर्ल नहीं पढ़ा। हम बॉय स्कूल में पढ़े हैं ना, इसलिए गर्ल से बात करने की तमीज नहीं है। तुम सिखाओगी? अब बस एक ही सपना है कि तुम हमारे साथ बैठकर कॉफी के दो घूट पी लो, बिल हम दे देंगे। एक्चुअली पुष्पा, जिस दिन से तुम्हारे गाल का तिल देखा है, हम सो नहीं पा रहे हैं। तुम्हें इस तिल की कसम, मेरा दिल रखने के लिए दो घूट कॉफी के पी लो। पुष्पा, हम तुमका एक पजल पूछेंगे, जवाब दोगी? हाँ पूछो। कौन सा बैंड है जो नहीं बजत है? ये बैंडेड की बात तो नहीं कर रहा? कंफ्यूज हो गई ना? रबर बैंड। इसका रबर जरूर टूटेगा। बहुत ही पकाऊ जोक था ना? पकाऊ से भी दो कदम आगे। हंसी पैसा वसूल। इसका कुछ नहीं हुआ तो हम ट्राई करेंगे। जवाब के मूड में हो तो क्या हम एक बात पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूछा। वो जो सालसा डांस था ना, बहुत ही हॉटी था। वो वेस्टर्न डांस था, तड़का मार के। बहुत जबरा। ये बताओ, इतना हॉट डांस कैसे कर लेती हो? तुम्हारा जो कैट एंड कैमल पोज था, बहुत ही कमाल था। कमाल मतलब बहुत ही हॉट लग रही थी। शर्मा मत, बताई ना कितना हॉट। हॉट मतलब चाय से भी गरम। तुम्हारा डांस देखकर गड़े मुर्दे भी दाता थैया करते हैं। तुम्हारे कद की लंबाई जैसे बुर्ज खलीफा, सोनी कुड़ी जैसे पानी पुड़ी, मोरनी जैसी चाल, गोल्डन बाल, ब्राउन आईज, वेरी नाइस स्माइल करे हमका घाई। ऊपर से नीचे तक देखूं तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी माने? मतलब तुम्हें देखते रहने का दिल करता है। हनीमून पर हम न्यूयॉर्क से फिर खजुराहो जाएंगे, ठीक है? Which toothpaste she must be using? God knows. क्या हुआ? एक बात कहें? क्या? कहेंगे तो बुरा नहीं मानोगी? बोला ना। झुंड में सफेद बाल है, तोड़कर फेंक दो। हमारे सर पे सफेद बाल? नहीं है, एक भी सफेद बाल नहीं है। एक मिनट, हेलो एक्सक्यूज मी, एक मिनट पुष्पा, काम डाउन। ए फिरंगा, कम हियर। यो हमका टेल मी, तुमका इस गर्ल हेयर गुच्छा में सफेद हेयर दिखत है? या इट्स देयर पुष्पा, हम भी यही कह रहे थे। गो एंड बैठ जाओ। बालों में झांक रहा है बुड़बक।
पुष्पा, एक बाल तोड़ोगी तो पूरा गार्डन उग जाएगा। हम नहीं चाहता फ्री में पब्लिक गार्डन को देखे, इसीलिए फ्री में हम तुमका सलाह देते हैं, जल्दी से अपनी कॉफी खत्म करो, नाके से शेयरिंग ऑटो पकड़ कर पटना मार्केट जाओ, लगेज का पैसा मत देना। होली के कलर से लेकर दीवार के सारे कलर वहाँ मिलेंगे, बालों के भी लगा लो। मिलने आए हो या मार्केटिंग करने? पुष्पा पुष्पा रुको, सुनो, पब्लिक गार्डन देख लेगी, एक बाल सफेद होने से हम तुमका रिजेक्ट नहीं करेंगे। बाहर में जा। खामखा भड़क गई यार, कहती तो हम उका कलर गिफ्ट कर देते। बाल की खाल निकालते हो। अरे अरे कुछ नहीं हो, तो भड़क रहा है पुष्पा। आजकल 15 साल की उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं विटामिन की कमी से, बिना वजह ही उसे जलील किया। बकवास जोक मारने के खातिर तुम पर दफा 61-62 लगना चाहिए। लड़की को इम्प्रेस करने की खातिर उसकी अच्छाइयाँ बतानी होती है, खामियाँ नहीं। बेटा जब चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएं तो कौनो लड़की नहीं देगा। भाषण बंद। 29 मिनट उका हंसाया, वो किसी को नहीं दिखा, एक गलती का हो गई, सब हम पर चढ़कर बैठ गए। अभी बार हमारे सॉरी से वो घर पर आ जाएगी। पंडित से कहिए कि वो शादी के मंत्र पढ़ने के लिए तैयार रहे। हे पुष्पा 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 पुष्पा, अबे तोहरी रिदम से ऐसा लग रहा है कि तू ब्लैक मार्केट टिकट बेच रहा है या किसी बीच पर मूंगफलियां बेच रहा है। पुष्पा 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 पुष्पा, मने माफ करे रे डिकरे। ओ डिकरी है तेरी, पारसी में मनाएगा उका, उका समझ में नहीं आएगी। सॉरी, रुबाब से सॉरी बोल। पुष्पा हमें अत्यंत दुखी तो। अबे यार, उका कोलकाता की लड़की है, जो बांग्ला बोलेगा। सॉरी बोलना है तो सिंपल भाषा में बोल। उका सामने गिड़गिड़ा। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, आई एम सॉरी पुष्पा, यहाँ ही टोनवा सही पकड़े हैं। पुष्पा पुष्पा रुको, हमारी बात सुनो, अगर नहीं रुकी तो हम यहाँ लेट जाएंगे। अपनी बेरुखी से हमका नहीं मारो, अपनी गाड़ी से मारो। तुम्हारे बाल विटामिन डी की वजह से वाइट हुए हैं। हटा वरना ठोक देंगे। बात तो सुनो, देखो ठोक दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जवानी में ऐसी गलती हो जाती है। देखो इसका बिल हम चुकता कर देंगे। पुष्पा मेरी बात सुनो, पुष्पा पुष्पा प्लीज पुष्पा। हेलो कार्तिक, हम पुष्पा बोल रहे हैं। हाय हेलो बोलो, हमें तुमसे मिलना है। कहाँ मिले? स्वर्ग जैसे घर में। वहीं रुको। मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स, हमरे घर की बहू आती होगी, उका हमरे कमरे में भेज दो। आओ बेटी। अरे बहू, बिना नोटिस के। कार्तिक कहाँ है? ए बहू, काफी पिलाओ। कार्तिक के पिलाई, बहुत थक गया है। लागत है मामला सेट हो गया। वाह वाह वाह, भाई भाई भाई, क्या बात है भाई, रास्ते में तुमने ब्रेकअप किए, रूम में आकर पैचअप किए, क्या चमत्कार किए भाई। उस दिन सॉरी बोलने गए थे ना, आगे आगे आगे, तब उसका स्कूटर ठोका था। हुआ था एक्सीडेंट, तो वो कार के मालिक को हमने पुष्पा का एड्रेस दे दिया था। का चाहिए तो के? इंसाफ चाहिए। पुष्पा जी कौन है? हम ही है, तुम कौन? अरे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस तो कैंसिल कर देना चाहिए, पार्किंग में खड़ी गाड़ी को भी ठोक दिए। ओह तुम्हारी कार है, सॉरी। अंग्रेज चले गए पर तुम जैसा औलाद छोड़ गए। जबान संभाल के वरना टकला बोल देंगे। हमारा टकला है, ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। जा जा। ए, हमका उंगली दिखाती है, नीचे कर। चटनी रोटी खा के पैसा बचा के कार खरीदी है। अपना बक बक बंद करो, कितना पैसा मुँह पे मारे बता। 50,000 रिपेयर का और 1,00,000 मेंटल टॉर्चर का। फूटिया से ये तो रिपेयर का हुआ, मेंटल टॉर्चर का 500 पकड़, रिपेयर करवा लेना। पहले गाड़ी ठोकी और फिर गाड़ी पे एड्रेस भी चिपकाया, बड़का लेडी फैंटम बन रही है। हमसे दूरी सहन नहीं हो रही है ना? लव लेटर? हमका बोलने में शर्म काहे की? लव लेटर और तोहका? उके हमारा एड्रेस काहे दिए? नहीं देता तो टकला हमारे घर में आके वसूलता, हमारे आंगन में पैसों का पेड़ लगाए। गलती का जुर्माना भरने के बाद तुमका सुकून मिल रहा होगा ना? चुप करा, पता है वो टकले ने हमके कितनी गालियाँ दी? पुष्पा कूल, आज गंगा कितनी मैली हो गई है, पर उका पवित्रता में 5 पैसे का भी फर्क पड़ा है का? हम गंगा नहीं, हमारा नाम पुष्पा है पुष्पा। अच्छा हुआ कि सही टाइम पे हमारी आँख खुल गई, वरना विदाई के पहले हमारा डिवोर्स हो जाता। अगर तूने अब हमके फॉलो किया ना, तो पुलिस तो के फॉलो करेगी। पुष्पा छिछोरी, तुम प्यार की सीढ़ी ना ही एस्केलेटर चढ़ रही हो। माने आज चमक अलग ही है। कौन सी चमक? मार्केट से कलर लाकर बालों में घिस घिस कर रगड़ा। छिछोरी कहीं के? अरे ये बताओ, हम ये शादी पक्की समझे?
गधा। दफा 61-62 के साथ दफा 44 भी लगनी चाहिए। हट। अरे सुन। नहीं सुनेंगे। इका होई गवाह। मुस्तफा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुस्तफा ग्रुप एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस सच्चाई सत्या सबके सामने लेकर आया है। ऐसन खबर दिखावे का खुजली काहे होती है टीआरपी के चक्कर में। यादव जेकर हम फोटो भेजे हैं वह हमरे खिलाफ कॉलेज में शिकायत किया है। उसका चैप्टर क्लोज कर दे। अगले साल 26 दिसंबर के एक पुण्य तिथि होना चाहिए। 26 दिसंबर हमारी कंपनी का एक खास दिन। हमारी कंपनी नई बुलंदियों को छुएगी। हमका ऑडी कंपनी को ये साबित करना है कि हमारे सिवा उनका काम कोई नहीं कर सकता। मिस्टर श्रीनिवास 25 तारीख से पहले ये सारे काम हो जाने चाहिए। जीएसटी टाइम पर भरिए। जीएसटी भरेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हमको इंटरेस्ट नहीं है पापा। कब तक बेकार बैठा रहेगा पापा? हमको जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझता का है नहीं बाबू भाई। क्या हुआ? कौन है ये? क्या बताए सर आपको, ये हमारा बेटा है सत्या। ओ हेलो सत्या। हेलो सर। कॉलेज के सामने तुम्हीं ने आंदोलन किया था ना? सारे फसाद की जड़ उही तो है। MBA में टॉपर है, इसको कहता हूँ कहीं जॉब कर ले, पर हमारे बेटे को तो आंदोलन करके सबके दुख दूर करे के पड़ी ना। बाबू भाई लंच ब्रेक हुआ है, आप खाना खा लीजिए, मैं इससे बात करता हूँ, ठंडा हो जाएगा, जाइए। सत्या समाज सेवा करना अच्छी बात है, पर परिवार को दुखी करके नहीं। अगर परिवार है तो हम हैं। पापा की बात काहे नहीं मानते? हम पापा की बहुत इज्जत करते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली ही सब कुछ होती है, पर हमारे लिए इस समाज ही हमारी फैमिली है। एनीवे, कल शाम 5 बजे भारतीय पार्क में मेडिकल माफिया को लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन है। प्लीज वहां आइएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। जरूर। 5000 शेयर्स, 20000 कमेंट्स, 1 लाख लाइक्स। वाओ, तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो। तुम सोशल मीडिया पे हिट हो गई हो। बहुत ही जल्द अपना ऐप लॉन्च करोगी, हम सही कहे ना पुष्पा? हाँ हाँ, फेमस ई हो रही है और हमरा से बिल भरवा रही है। बहुत चालू है। फटे कंबल बांट के खुद को मदर टेरेसा समझ रही है। फटी चल गई। ओ यहाँ भी आ गया। अगर इसने मुंह खोला तो हमारी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। तू लोग रुका, हम अभी आते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? हम आपसे सॉरी कहने आए थे मैडम। कल एक हाथ गाड़ी वाला उही जगह हमारी गाड़ी को ठोक के गया। पर्ची भी लिख के गया, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और एक आप है मैडम, ठोकने के बाद आप लिख दिए कि पैसे घर से ले लेना। आप महान है। रुकी रुकी, तारीफ के पुल यहाँ नहीं, वहाँ चल के बनाई चली। अच्छा सुना, ये है लच्छू लाल, इनकी कार में हमसे छोटू सा डेंट के लिए ये हमको 50,000 रूपए दिए। अरे आजकल के लोगन तो 2 रुपया बाबा को दे के पहले सेल्फी लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। फिर लाइक्स तो ऐसे गिनते हैं जैसे कोनो हॉस्पिटल में डोनेशन दे दिया हो। आपको सोशल मीडिया पे होना चाहिए मैडम। आप ना कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, थोड़ी और करी ना। मैडम हम बेगूसराय में हॉस्पिटल खोले हैं, रिबन आपसे ही कटवाएंगे, ना मत कहना। टाइम नहीं है। ठीक है, हम खुद ही काट लेंगे। तुम और वापस से तुम इस देवी से जरा कुछ सीखिए। लच्छू लाल जी प्लीज। एक और बात बोलनी, ये जो कॉफी शॉप में आप बैठे हो ये हमरी है, तो ये टेबल का बिल तो हमें ही देंगे ताकि हमरी चमकती चांद में 4 सितारे लग जाएं। ठीक है ना मैडम? ओके लच्छू लाल जी। ओके। सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से एक दिन दुनिया में तुम्हारी पहचान बनेगी। अब यहाँ का है आइए। आप 2 हफ्ते पहले कॉफी के लिए पूछी थी ना, तो आज हमारा पीने का मूड हुआ। अरे अब भूल जा, तेरे कॉफी का दूध फाड़ के हमने पनीर बना दिया। दूसरी लड़की क्या कॉफी पीने जा रहे, तू निकल, हमें ताला मारना है। बेटा कारतूस कम फास्ट। देखो टेस्टी रिश्ता शुरू होने से पहले कड़वी बातें नहीं करना, वरना पुष्पा वाला हाल हो जाएगा। अरे छोड़ ना, वो तो एक प्रैक्टिस मैच की तरह थी। आज वाली के साथ हम फाइनल मैच खेलेंगे। पुष्पा की बॉल पे हम 0 पे आउट हो गए, लेकिन आज वाली के साथ सिक्सर मारूंगा। गिल्ली उड़ाने आ गई पुष्पा। यहाँ आने की वजह तो तू हम पे ट्राई बॉल खेल रहा था। पुष्पा हमने तुम्हारे साथ अच्छा फ्यूचर देख लिया था, तुमने फ्यूचर को पंक्चर कर दिया। यहाँ आना कैसन हुआ? हमारा साथ कमरा में चले। कमरा में कभी नहीं। नो 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 नो, हमारे परिवार के उच्च संस्कार ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। क्यों बुढ़बक? तो पुष्पा जॉन कुछ भी बोलना है इधर ही बोलो। आई एम सॉरी
उस दिन हम तोहरा से कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिए, हो सके तो हमको माफ कर दो। सॉरी के लिए इतना पेट्रोल काहे को जलाया, हमको व्हाट्सएप कर देती। अब निकलो, वहाँ नई वाली इंतजार कर रही है, चलना रे। हाँ, चलो जाते हैं। चला चला जल्दी चला, बैठो गाड़ी में। अरे झगड़ा करके सिर्फ 4 ही दिन हुए थे और वो बेसबरा नई लड़की देखने भी चला गया, ऐसन का आग लगी। सर सलामत था पगड़ी 1000, इतना समझ में नहीं आता। नदी में आया फ्लड और आदमी का पंपिंग ब्लड कभी कंट्रोल नहीं होता, ओवरफ्लो हो ही जाता है। वैसन भी कुत्ते और मर्द के डीएनए में ज्यादा फर्क नहीं होता, जहाँ देखी लड़की वहाँ तबियत फटी। लच्छू लाल, मर्दों पे अपने बायोलॉजिकल लेक्चर देना बंद करा। कमरे में आने के लिए कहे तो भैंसे की तरह चिल्लाने लग गया। कमरे में एक लौते मर्द के साथ क्या करना था आपको? ऊ के साथ सेटलमेंट करके पैचअप करना चाहते थे, ऊ का रेप करने का इरादा नहीं था। अब ये तो बहुत गलत किया उसने। सीने और पेट में कितनी जलन हो रही है। राजू मैडम खातिर बर्फ मार के खसखस का शरबत दे। अरे लच्छू लाल, एसिडिटी की वजह से ना ही हो रहा है, दिल का बेचैनी है, समझा करा यार। रुक रुक रुक, एकदम सिंपल है, ऊ का भूल जाओ, वो भाव भाव तुम्हारे लायक है ही नहीं। अरे लच्छू लाल, हम पे प्यार का बुखार चढ़ा है यार, और ई की दवा वही के पास है, हम उनके बिना ना ही जी सकते। बिच्छू के डंक मारने पे जैसा दर्द होता है ना, ऊ की नाराजगी सेम टू सेम वैसा ही दर्द दे रही है। हम जो कहेंगे करो। लव हिला के देखिए, सब कुछ हिला देंगे। ई उम्र में ऐसा डायलॉग तुम्हारे मुँह से शोभा नहीं देता। कायदे में रही तो फायदे में रही। उदय को बाइक से जा रहा है, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी जल्दी जल्दी। जी भैया। अरे थोड़ा तेज भगा। ए, क्या कर रहा है? मरवाएगा का? देख के चला गाड़ी। अरे उस ससुरा गया क्या? उधर उधर उधर। अरे कहाँ गायब हो गया वो? हम देख नहीं पाए भाई, वो देखो उड़ रहा। लागत है नेतागिरी का कीड़ा काटा है भाई, इसको यही ठोक देगा। पब्लिक प्लेस है, लफड़ा हो जाएगा। हाय सत्या। हाय सर, हो हम ठीक है भैया? वो तो कार्तिक इंडस्ट्रीज का मालिक है। अरे दोनों शिकार एक ही जगह मिल गए, आजा। अच्छा वहाँ पर? जी सर। सर ये लीजिए। हम पूछ रहे थे कि का भाषण देते हो तुम, हम तो फैन हो गए तुम्हारे। थैंक यू। आप भी 26 तारीख को आइए। 26 तारीख बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है तुम्हारे लिए भी ना। नई मशीन जो आ रही है, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना, तू भी ध्यान रखना। नई मशीन जो आ रही है। लच्छू लाल का बच्चा कहाँ रह गया, पता चली? वो लड़की उका पसंद आ गई। हाँ? है, नाम है संध्या। हाँ? हाथ खुजली की डॉक्टर है। इमा सारे डिटेल्स लिखे है, पढ़ लो। तुम कहत रहे तुमका जरूरी बात करनी है, बताओ क्या बात है? अब हमरी शादी कैंसिल हो गई और अब तुमरी कैंसिल होने वाली है। का? तुमरी शादी का हमरी शादी से का कनेक्शन? दोनों का दूल्हा एक ही है, कार्तिक। क्या कार्तिक? बात यह है की उना पहले हमरी बेस्ट फ्रेंड का लवर था। हाँ? और फिर अचानक वो दोनों का ब्रेकअप हो गया। हमरी फ्रेंड एनआरआई से शादी करके विदेश चली गई। जब भी कार्तिक उदास होता था तब हम उके इमोशनल सपोर्ट देते थे, और एक दिन वो हमके ऐसन सपोर्ट दी के कोई हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ? नदी में आया फ्लड और आदमी का पंपिंग ब्लड कंट्रोल नहीं होता ना, इसीलिए बाढ़ आ गई। पहले वो हमसे वादा किया था कि हमसे शादी करेगा, पर उसने मर्द की जात दिखाई दी। हमके पता चल गया, हमको पाने के लिए हमरी फ्रेंड को धोखा दिया। घाट घाट का पानी पीना चाहता है वो। उस 100 का आंकड़ा तो पार कर ही चुका होगा, और तू भी अगर उके झांसे में आ गई तो 101 होने में देरी नहीं लगेगी। तुम एक अच्छी फैमिली से हो तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। मैम बिल 300। कीप द चेंज। थैंक यू मैम। हाय। हम लोगन की वहाँ पार्टी चल रही है। ओ धोखे देखे तो चले आए।
शादी फिक्स हो गई? कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई माने टूट गई, माने खत्म। शॉक, मतलब बहुत शॉक में आ गए हम। वो तुम के रिजेक्ट का है किए? छोड़ो ना पुष्पा। हाँ, अब पकड़ में आए बच्चू। गम का आउट करने के लिए ई का इन करना पड़ेगा। तो का गटक जाए? बहुत सही जा रहे हो बेटा। एक सांस में पीजा। पूरी 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 गटक गटक। हनीमून के लिए एवरेस्ट पे 2 दिन का नाइट स्टे रखे थे। अबे, शादी से पहले हनीमून? मतलब वो लड़की का ही किस्मत खराब था जो तुम जैसे लड़के को रिजेक्ट किया। तुम्हारे साथ तो हम ही एवरेस्ट की चोटी चढ़ेंगे। हम है ना तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना? अब हमका कुछ नहीं समझना। पहले तुमने हमका रिजेक्ट किया, फिर उस संध्या ने हमारे थोबड़े पे रिजेक्शन का बोर्ड लगा है। यहाँ लिखा है लड़कियाँ नॉट अलाउड। वो संध्या की भूल जा, तू हमारी तरफ देख। हम दोनों शादी कर ले। हम फैसला कर लिए हैं, अब्दुल कलाम जैसा, वाजपेयी जैसा, उनके जैसन बनूंगा। का मतलब? जिंदगी भर हम कुंवारे रहेंगे। उसने हमका रिजेक्ट किया, हम दुनिया भर की सारी लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं। शादी से मूड हट गया अपन का। लगता है हमारा नसीब चद्दर ओढ़ के सो गया। पुष्पा, हेलो पुष्पा। बोलो। कल हमने ज्यादा पी ली थी का? घर कौन लाया, बेड पे किसने सुलाया, कुछ भी याद नहीं। कुछ भी याद नहीं? थोड़ा सा भी नहीं। सच्ची कुछ याद नहीं? इतना सब कुछ करे के बाद भी याद नहीं? पुष्पा, हमने का किया? ऐसन काम किए हो कि हम बोल भी नहीं सकते। ऐसा का किए है जो बोल नहीं सकते? पुष्पा 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 सुनो। पुष्पा पुष्पा पुष्पा, गर्दन इधर उधर हिलाओगी तो तुम्हारी नस चढ़ जाएगी। बताओ ना कहाँ हुआ? उस दिन तुम बहुत उदास थे, तो हम तुमके चेयर अप कर रहे थे। तो? और नशे में तू हमके चेयर डाउन करके जोर से चुम्मा लिया। चुम्मा लिया? और हमने कब लिया? कुछ याद नहीं आ रहा है। फोटो पी लिया या गाल पे लिया? लगता है ये पैसा वसूली करने के लिए कह रही है। हम इतने गिरे हुए थोड़ी हैं। हमसे कौन शादी करेगा? नहीं हो सकता। हमारी खिड़की पर जब कबूतर इस तरह की हरकत करते हैं तो शर्म के मारे हम खिड़की बंद कर देते हैं। ये बताओ हमने किस कैसे? ये तो बड़ी मजेदार चीज है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब हमसे शादी कौन करेगा? पुष्पा, हम तुमसे शादी करेंगे बेबी। हम नहीं चाहते कि तुम हम पर तरस खाकर हमसे शादी करो। किसने कहा तरस खा के? हम तुमसे शादी करने के लिए तरस रहे हैं। तुमसे शादी करके हमारी लॉटरी लग जाएगी। कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं, कैसे पटाऊं, कैसे बताऊं? हाँ, क्या तुम हमारे साथ एवरेस्ट पे हनीमून करने चलोगी पुष्पा? ऐसा नहीं, चिपकने की प्रैक्टिस कर ले, एवरेस्ट पर इससे भी ज्यादा ठंड रहेगी। तुम ये बैग पकड़ो, हम अभी आते हैं। पुष्पा ओके। पुष्पा पुष्पा, हाय, हमका तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतना कुछ होने के बाद भी तुम अब भी ओके सपोर्ट कर रही हो। हमका बचावे खातिर तुम खुद बलि का बकरा बन गई। हाय संध्या। ये जानते हुए भी कि ये एक चीटर है, तुम फिर भी इसके साथ हो? का कहा हम चीटर? हमने का किया है? Shut up, I'm not talking to you. धोखा खाना गलत नहीं है, लेकिन ये सोचना कि वो दोबारा धोखा नहीं देगा, ये बड़ी गलती है। जरा सोच के देखना। ये का बकवास कर रही थी? उसी ने हमका रिजेक्ट किया और हमको ही चीटर कह रही है? आई एम सो सॉरी कार्तिक, हम तुमसे झूठ बोले। हमको पानी के लिए हमने फ्रेंड को धोखा दिया। का कहा? घाट घाट का पानी पीना चाहता है वो। ये बोली? उस 100 का आंकड़ा तो पार कर ही चुका होगा। मार डाला, इतना बड़ा झूठ, इतना लंबा फरेब। तो हम और का करते, तुम्हें पाने का यही तरीका था। जब हमें एहसास हुआ कि हम तुमसे प्यार करने लगे हैं, तब तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। हम तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए थे कार्तिक। शट अप। तुमने हमें धोखा नहीं दिया है, हमारी फैमिली को दिया है। जब हमारे पापा संध्या के घर पे ई पूछने के लिए गए थे कि उन्होंने रिश्ता क्यों ठुकराया, तो उन्हें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। हम अपने परिवार की खुशी के लिए शादी कर रहे थे। दोबारा अपना चेहरा हमें कभी मत दिखाना।
हेलो अरे भाई हम यहाँ हैं रविंद्र के गुंडों ने हमका बहुत मारा है रुक बहुत मारा जानवरों की तरह पटक पटक के मारे हमें ये यादव का काम नहीं है वो बहुत भोला आदमी है को तुमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है ये वर्दी पहनने से पहले तूने कसम खाई थी कि वक्त आने पर तू इस देश की जनता के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देगा बेईमानों ने इस देश में तांडव मचा रखा है ईमानदारी से सिर्फ दो मिनट में ये केस सॉल्व हो जाएगा का बोले दो मिनट में ये केस सॉल्व हो जाएगा हम ये कहना चाहते हैं बोल आपकी ड्यूटी ए चुप बैठ पुलिस का ड्यूटी हलवा है का तुम्हारा फर्ज निभाओ तू हमको फर्ज सिखाएगा चलो उठ केस सॉल्व करके दिखा दो मिनट में नूडल्स बनता है केस सॉल्व नहीं होता आउटेज आइए सर कहाँ इंस्पेक्टर कैसे आना हुआ ए, आज हम आए नहीं हैं लाए गए हैं एक आरोप है कि तुम इसका मशीन चुराए ये हमको चैलेंज दिया कि सिर्फ 2 मिनट में ये केस सॉल्व कर देगा इंस्पेक्टर साहब केस सॉल्व कीजिए नमस्ते साहब नागौरी की मलाई वाली चाय बोलूं आपके लिए ये भौजी पिला के भेजी है और अगर भूख लगा हो तो राम भरोसे होटल पासहे में है लिट्टी चोखा मंगवा दे आपके लिए अरे सर 1 मिनट तो बीत गया बस 1 ही मिनट बचा है कौनो जादू वादू दिखाइए ना सर केस सॉल्व कीजिए वो कहा है पुलिस वाली फीलिंग नहीं आ रही है अरे सर टोपी दो ना बेल्ट भी ए, सब लोग यहाँ आ रहे वो हम ही थे तुम्हारी सारी मशीनों को लूटने वाले हम ही थे रविंदर यादव धक्का लगा का हम तो डर गए पूरे पुलिस लग रहे हो सुपर हिट अरे देखना पुलिस आई है पुलिस डर से सुसु आ गई है सर जाने दो ना सर जल्दी से करके आते हैं सर जाने दो ना सर बहुत तेज आई है आ गई है अरे सर चेन पे रहम करो टूट जाएगी अरे सर माफ कर दीजिए सर अरे छे ये भाई बाकी है तोड़ डाले तू ई टोपी और बेल्ट का पावर देखा अगर पूरी यूनिफॉर्म पहन लेते तो तुम्हारी चिता यहीं बिछा देते हिंदुस्तानी की सटकेगी तो तेरी वाट लगेगी आखिरी वार्निंग दे रहे हैं जुल्म के काले झंडे काटना बंद करते बावले कहीं देश के ईमानदार लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया तो धोखा चीर देंगे
देश के बड़े चिटफंड घोटाले का मास्टरमाइंड तू है। बच्चों के किडनैपिंग में तोहरा नंबर सबसे ऊपर है। हैदराबाद में ड्रग सप्लाई करके, नागपुर में 12 मर्डर करके, छत्तीसगढ़ में बैंक रॉबरी करके, वहां से रफू चक्कर होकर अपना नाम बदलकर रविंदर रखा। जिस तरह बाल तोड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता, उसी तरह नाम बदलने से तेरी पहचान नहीं मिटती। गेट पार करने से पहले मेरे ट्रक को बाहर निकाल। एक सेकंड भी लेट किया तो तोके नाम के आगे लेट लग जाएगा। गेम ओवर। माने एक्टिविस्ट सत्या की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सूत्रों से पता चला है कि कल रात उन पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। कमिश्नर ने ये भरोसा दिलाया है कि मुजरिमों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ओके सीमा, बाय। क्या हुआ, क्लास में काहे नहीं जा रही हो? तबीयत तो ठीक है? हमने उनका मरते हुए देखा है। किसकी बात कर रही हो? उस सोशल एक्टिविस्ट सत्या। कल हम वर्षा की बर्थडे पार्टी में गए थे। पुलिस और कोर्ट के चक्कर से एका दूर ही रखो। गवाही देने के बाद एका कुछ हो गया तो हम कहीं के ना रहेंगे। कार्तिक, तुम्हारी माँ सही बोलत है। तुम्हारा क्या फैसला है? हम पुलिस को गवाही देंगे। अब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? एक मिनट। गुड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्तिक, बात को समझा। पापा, सीमा को कुछ ना ही होगा, हम है ना, ट्रस्ट मी। अलर्ट ऑल चेक पोस्ट, हमका रिजल्ट चाहिए। सर, सत्या के मर्डर की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? ए परिमल, बोलो। हमें आपसे अकेले में बात करनी है। सर, प्लीज डोंट माइंड। ये अचानक माइक कैसे ऑफ हो गया? सर, हमारी दो कंडीशन है। विटनेस का नाम सिर्फ आपको पता होगा और वो सिर्फ राज रहेगा। ओके। विटनेस यहाँ ना ही आएगी, आप ओके पास जाएंगे। हमारी बहन सीमा। नमस्ते सर। नमस्ते। सीमा, तुमने जो कुछ भी देखा सर को बता दो। सर, हम बाहर वेट कर रहे हैं, हिम्मत से काम लेना। देखने पर पहचान लोगी वो को? हाँ सर, हम पहचान लेंगे। कार्तिक, तुम्हारी बहन को मुजरिम को पहचानने के लिए आना होगा। उसकी जरूरत नहीं, जिन पर शक है उनका थाने बुला लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पहचान हो जाएगी। हाँ बोलो परिमल। रिकॉर्ड के हिसाब से सारे सस्पेक्ट थे। तुमका यकीन है? जी सर। सस्पेक्ट परेड में किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया तो उसका स्केच बना देते हैं। अच्छा आइडिया है, पर आर्टिस्ट तुम्हारी बहन को देख लेगा। वो हम पर छोड़ दीजिए, बैठ जाओ। कैरी ऑन सर। ओके, बताओ बेटी। ए, शुरू करा। सर, इका कहिए ना निकाह बटाए। अभी इका स्केच नहीं बनाना है, ये जो बोलेगी उका बनाना है। हाँ चलो बोलो बेटा। सर, स्केच तैयार हो गया। देखो बेटा, काऊ यह है। हाँ सर, यही है। तुमका यकीन है? हमें अच्छी तरह से याद है, इसी ने मारा है। वेरी गुड।
ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यू फूल मी, बेवकूफ बनाया हमका। एक जिम्मेदार नागरिक होवे के नाते तुमका अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। बात का है सर, तुम्हारी बहन पुलिस के साथ गेम खेल रही है। जिस आदमी का स्केच बनाया उका मरे 5 साल हो गए हैं। फ्रेंड्स पार्टी पब, हमका वही समय समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की नशे में बोल रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे भैया, हमरा यकीन है। एक मिनट, बहुत टाइम वेस्ट किया तुमने, और कितना झूठ बोलोगी? अगर ये स्केच प्रेस में दिए होते तो हमारी इज्जत का कचरा हो गया होता। ए, और कुछ नहीं सुनना हमको। सर सर हमारी बात सुनिए सर। नहीं नहीं नहीं, बहुत बेवकूफ बना लिया हमको तुम। हमारी बहन झूठ नहीं बोल सकती, हमको कुछ भी नहीं सुनना है, हम जा रहे हैं। फिर से छानबीन कर लीजिए सर। भैया जा रहे हैं। वो है जिसने सत्या का खून किया है। इरफान ए, बैठ अंदर, चल भगा 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 भगाओ। ए कार्तिक, अरे पांचवें गियर में डाल कर थे। अरे चल चल भगा भगा। हेलो हेलो। हाँ कार्तिक, कैसे हो भैया? इरफान जिंदा है या मर गया? हाँ जिंदा है या मर गया? इरफान ना, हमरे सवाल का जवाब दे। हम समझा रहे हैं, देखो हमारी बात सुनो। एक मिनट, जिंदा है या मर गया? ओ जिंदा है अभी। I am coming. लेकिन कहा है? आप ठीक है? कार्तिक आवत है, वहां देखा। सर, छुट्टी पर गए सभी अफसरों को रिपोर्ट करने के लिए कहो तुरंत, यहां बैंड बज गया है। क्या हुआ सर, कौन परेशानी? कार्तिक सर, ये तो वही है ना जो? हाँ वही कार्तिक, एक झूठ का सहारा लेकर हम इतने सालों से उसे डिपार्टमेंट से बाहर रखे। वो सच्चाई जान चुका है और यहाँ आ रहा है। अपना पूरा लाइफ में उससे बिंदास और डेंजरस आदमी हम नहीं देखे। रूल्स मानत नहीं, जिंदगी का परवाह करत नहीं, और सीनियर अफसर को जूते का नोक पर मारत है। ड्यूटी निभाने के चक्कर में भूल जाता है कि उसका फैमिली भी है। और फीलिंग नाम का कोनो चीज ही नहीं है। आज से 4 साल पहले आए वो स्ट्रैप इन अ सिमिलर सिचुएशन निकलने का कोनो चांस ही नहीं था। मुंबई माफिया से रिलेटेड एक हीरो
आरती हमारी बात पर विश्वास करो, कुछ नहीं होगा हमारी बिटिया को, ट्रस्ट मी। हम कमिश्नर और पुलिस हैं यहाँ के, हम सब ठीक कर देंगे। सर तुम्हारा अगला स्टेप क्या है? तुम्हारे पास कोई किडनैपर का न्यूज आया है? कोई न्यूज नहीं है सर। ई बखत भीकू को छोड़ना ही ठीक रहेगा, नहीं तो बच्ची की जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये सही कह रहे हैं सर। भीकू को छोड़े का इंतजाम कर दो, मिनिस्टर से हम बात कर लेंगे। सर वो किडनैपर लाइन पर है। बोलो। आम आदमी किसे राजी नहीं होगा। इमा बहुत रिस्क है सर, उसका नाम से लोग डरते हैं। आई नो, हम जानते हैं। अरे कम से कम कोशिश तो करो। ओके सर। सो ई लेके आएगा। कौन ई? अरे हटना। ई काम का करता हूँ। वो जो गोल गोल होते हैं ना, उसको छील छील के नंगा करता हूँ, उसका जूस निकालता हूँ। मौसमी बोलते हूँ का जूस वाले को ले आए? हमको और कोई नहीं मिला सर। ठीक है, इका बताया ना क्या करना है? बताया सर, बताए थे ना। रोकड़ा मिलता तो हम सब करते ना भाई। पागल हो का? इना उका भी बाप है सर, अब कौनो ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, कितना पैसा लोगे? अपना रेट नहीं गिराना, 2 लाख बोलना, एक तुम्हारा एक हमारा। दुई में मान गया सर। जूस वाले का 2 लाख? 4 लाख? जूस सेंटर डालना है हमका। धोखा, रेट बढ़ गया सर। आओ, ठीक है माइक लगाओ। का रे माइक काय को लगा रहा? हमसे कव्वाली करवाएगा का? क्या कुल लेकर क्या? ये कौनो ऐसा वैसा माइक नहीं, खुफिया माइक है। कौनो दिक्कत हुई तो फौरन पहुंच जाएंगे हम लोग। फिक्र मत करिए, अपन कबड्डी उस्ताद। ओके, हड्डियों का सुरमा आंखों में लगा के आऊंगा। कौनो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं है, पता है ना? सही है, तो ले जाओ इसे। चलो देर हो रहा है। आता मैं साहब। दुआ करना हमारे वास्ते। ले। तोरा बिजनेस का है बे? हमरा दुल्हे का बहुत बड़ा कारोबार है। मशीन से धोत है या हाथ से? हाथों से धुलते, पैरों से धुलते, साबुन से नक को धुलते। हमको तो जूस वाला बताया। सर हम ई का जूस का ठेला देख के भी आए और मौसमी भी मारे। दुकान कहाँ है? पहले चिंचपोकली में था, फिर चिंचोली बंदर में शिफ्ट हुआ, अब हम चूना भट्टी में स्टॉल लगाया है। वैसे तुम्हारा कारोबार कौन सा है? हमारा कारोबार आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बंदूक से। वेलकम भैया। देखा, हम कमिश्नर को डराए और आपको बाहर निकाल लाए। शाबाश मेरे शेर। देख कर आए, हथकड़ी खोल बे। पहले बच्ची दे फिर खोलेगा, एक्सचेंज ऑफर। पुलिस ने पट्टी पढ़ाकर भेजा तुमको। सर 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 सर, ये देखा फैक्स आया है सर, वो जूस वाला एसीपी है। ये का है? नहीं दिए तो काव खाड़ लेगा हमरा। तुम सबको हुसैन सागर जेल में ढकेल दूंगा। गिरफ्तार कैदी को क्यों मार दिए? करो दिमाग है कि नहीं? जेल में रोटी उठालोगे और इका गांधी जयंती पे छोड़ दोगे ताकि बाहर आकर गांधी गिरी करे? हम एंडिंग को पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। फाइल क्लोज। लक्ष्मण, कह देंगे एनकाउंटर में मारा गया। गुड, गेम ओवर। गेम ओवर? आई डू सोलेमली डिक्लेयर अपॉन माई ऑनर एंड कॉन्शियस that I will act at all time to the best of my ability and knowledge in a manner befitting a police officer. I will preserve the dignity and will respect the rights of all the individuals and will act justly and impartially and with propriety towards my fellow officers. ड्यूटी पे वेलकम है सर। ई बुके अपनी प्रेमिका को देना। डोंट वेस्ट टाइम, सारे पेंडिंग केसेस हमारी टेबल पे रखो अभी इसी बार।
और हमका माफ कर दो सर, हम ये सब काम छोड़ देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता। गलत जवाब पे लाइफ का लाइन लग गया। तो आसान था, तुमको पता था का? हमार केमिस्ट्री वीक है सर। अरे सवाल बायोलॉजी का था। कहाँ जा रही हो? भैया के रूम में, आजू का बर्थडे है, उका गिफ्ट फिर भी है। तो चले गए। वो एक नंबर का लापरवाह है। इस संडे को उसकी बहन की सगाई है, उका याद दिला दीजिएगा। अरे कार्तिक, हमका तुमसे जरूरी बात करनी है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, संडे शाम को मिलकर बात करते हैं। गाड़ी लेके पहुंचो। कहे है ना शाम को बात करेंगे। कार्तिक। हाँ पापा। हमका तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना है। इम्पोर्टेंट है का? वेरी इम्पोर्टेंट। एक अर्जेंट काम है का, हम सुबह बात करें? अरे कार्तिक सुनो। एटीपी एनी टाइम पुलिस, आम पब्लिक को कोई भी तकलीफ हो ई ऐप पे कंप्लेंट करो, सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन पर आपको कनेक्ट किया जाएगा। पलक झपकते ही हम आप तक पहुँच जाएंगे। सर वो केस का क्या हुआ? वो तो सॉल्व हो गया। एक चाय लाओ मलाई मार के। अरे रुके, सेकंड केस अपलोड हो गया सर, काम पर लग जाइए। ये एप्लीकेशन हैंग नहीं होता है का? बलराम आओ, तुम सबको हमारे घर पे खाना खिलाता हूँ, चलो। टूट पड़ा। सर को तो आने दीजिए, वो 5 मिनट में आ जाएंगे, फिर खाते हैं ना। कमॉन बॉयज, कितना खाओगे? ऐप पे एक नया केस अपलोड हुआ है, चलो कमॉन कमॉन। खाने तो दे, इन्हें हमको भूखा मार दिया। सही इन्फॉर्मेशन है, कमॉन गो। खाली पेट एसिडिटी? हाँ सर। ड्यूटी पे खाली पेट नहीं रहने का। ए मूंगफली वाले, एक दो चार दाने दे। तो कभी भूख लगी है? शेयर करो। इमा चारे दाना है। शेयरिंग इज केयरिंग। गणपत धोखा हुआ, केस रिओपन हुआ है। अच्छा ठीक है, हम पहुंचते हैं। कॉफी पीने चलोगी? अरे हम मर देंगे ना। चलो जी। भागो भैया, भागो भागो। किसका है? वाइफ का फोन है सर, नया नया ब्याह हुआ है। ड्यूटी पे देश की सेवा करो और घर जाकर बीवी की सेवा करो। बीवी को ब्लॉक कर दो। ब्लॉक नहीं कर सकते सर, ऑनलाइन चल रहा है ना। तो नेट बंद कर दो। हाँ मोबाइल ऑपरेटर सिम बंद कर दो। फोन चोरी हो गया है। सिम मत बंद करिए, हम बीवी का कसम खाते हैं घर पे भी बात नहीं करेंगे सर। गलती हो गई साहब, बुरा ना मानो, होली है। ससुर जी। हेलो। कार्तिक आए? वो तो ड्यूटी से आके सो गए। रूम का मैं हम सब संभाल के, हमारे साहब नींद में भी ड्यूटी पर रहते। एक पंच मारेंगे ना तो पत्ती सी बाहर निकल जाएगी। और कार है, पुलिस से झूठ बोलता है कि लड़की तुझे छेड़ती है। ए, ए, किधर भाग रहा है? इधर आ, इधर आ। मक्खी तक तो तोहसे लिपटती नहीं और लड़की लिपट गई। कंट्रोल रूम, छेड़म छेड़ी का मामला है। कंट्रोल रूम कहाँ भागत है? हमारी पकड़ इतनी कड़क है कि अच्छे अच्छे नरम पड़ जावत है। तू तो पहले से ही नरम है, घोड़ा निकाल के ठोक डालूंगा। चिल्ला मत, अभी तक बंदूक नहीं निकाली। लड़की 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 कहाँ है? अरे बगल में जो सोई है। अरे कहाँ से आ गई? ये तो दिव्या है। दिव्या। आप लोग जाइए और इका भी साथ ले जाइए। तुम दोनों बाहर जाओ, हमें जरूरी काम है। तोरे काम की तो हमरे साथ चल। अब क्या? अरे चादर के साथ लूंगी भी खींच ली। पता होता कि ये दोनों इतना प्यार करते हैं तो पहले ही शादी करवा देते। ये तो हम कब से बोल रहे हैं अंकल, लेकिन ये बुढ़ाओ कह रहा था कि उस सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसका डिस्टर्ब ना करें। फिर कहा ट्रेनिंग पूरा होने दो, वो हुआ तो फिर पोस्टिंग, पोस्टिंग हुई गई, प्रमोशन भी हो गया, यहाँ ट्रांसफर भी मिल गया। वेट कर करके हमारा वेट बढ़ गया, लेकिन अब बहुत हुआ। दोनों पार्टी यही बैठी हुई है, सब फिक्स करा और हमको टोली में बिठाओ। लक्ष्मी हमने फोन देखा था। हाय कार्तिक। हाय अंकल, कैसा? हम ठीक हैं। प्लीज बैठे ना। कार्तिक। हाँ पापा। दिव्या और तुम्हारे प्यार के चक्कर फैमिली में वायरल हुई गए, अब तुम हाँ कर दो तो मिलकर तुम्हें हनीमून का पैकेज फ्री में दे देंगे। रहने दीजिए, ये कबूतरी शादी करने नहीं, दाना चुगने आई है। अरे लक्ष्मी। जी साहब। हमारा फोन देखा तूने? नहीं देखा। कहाँ रख दिए? हम देते हैं। काबुला, हम यहाँ दाना चुगने आए हैं। बताओ हम तो का मोहब्बत का प्रूफ कैसे दे? हमारा फोन दो, अर्जेंट कॉल करना है। पहले कहो कि तुम हम पर लट्टू हो। हाँ लट्टू हूँ। वादा करो कि तुम हमसे शादी करोगे। हाँ करूँगा, जाने दो। सबको ही बता तो दूँ। लेडीज मंडप सजाओ। दिव्या प्लीज हमारा फोन दे दो। कैसे दो, हमारा हाथ फ्री नहीं है ना। अपन हाथ ले लो। ए चुप, फोन ढूंढ रहा हूँ। फैमिली तो
तुम लोग शादी की तैयारियां करो और हम जा रहे हैं कॉफी शॉप हनीमून प्लान करने। चला। हेलो, काहे की कॉफी? हमका ड्यूटी पे जाना है। कॉफी। दिव्या फोन दो। कॉफी। कॉफी पीना है तो हमका फोन दो। तो ले लो। और कोनो जगह नहीं मिली? बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। कार्तिक, ये कौन है सर? दिव्या, आजा आजा। ये हमारी टीम है, बलराम, मल्लेश, लक्ष्मण। सरी बिटने से का? फियांसे। सर तो चीटिंग कर दिए। आइए ना अंदर। ये फॉरेंसिक लैब भेज दो। कार्तिक, कॉफी का क्या हुआ? I'm sorry. बलराम, कॉफी बोल दे। 1/2 चलेगा? टू फुल। हाँ, चल चल चल। ये होने वाली जोरू को कॉफी के लिए यहाँ लेके आए, ना हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे जी? कोर्ट में ले जा सकते हैं सर। अरे हुआ, मूड नहीं बनेगा। तो फिर कहाँ बनेगा? जाओ जाके पूछ लो। नहीं नहीं सर, एक बात अभी भी हमरा समझ में नहीं आ रहा है। मैडम। हाँ, क्या हुआ? काम हो गया? कार्तिक कहाँ है? वो तो चले गए मैडम। कहाँ गए? एक अर्जेंट कॉल आया था तो उके जाना पड़ा। ठीक है। ओके मैडम। ये झूठ मूठ का रायट्स बना दिए हैं। सीएम साहब का रैली रोकने की खातिर ये सब किया गया है। हम सब जानते हैं कि इका पीछे किसका हाथ है। राउफ लाला। राउफ लाला। राउफ लाला। राउफ लाला। जिंदाबाद। 6 बार एक ही जगह से एमपी बने हैं। नेता लोग अपने अच्छे काम की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन लाला की पहचान उनकी दरिंदगी है। आपन बेटे इरफान को पॉलिटिक्स में लाने के लिए सिटिंग एमएलए से जबरदस्ती राजीनामा दिलवाकर जनता पर चुनाव थोप दिए। अगर हम लाला को दरिंदा कहें तो इरफान तबाही का दूसरा नाम है। लोगों का भरोसा जीतने और उके खुशहाल जीवन देने के लिए हमका उ एरिया में रैली करना ही पड़ेगा। पिछले इलेक्शन का पोलिंग रिपोर्ट देखा हमने, यकीन करेंगे सिर्फ 33% वोटिंग हुई थी। या तो डर का वजह से या ऑप्शन ना होने की वजह से उ इलेक्शन जीत रहे हैं। ई रैली करके हम लोगन को ई भरोसा दिलाएंगे कि ऊ के हितों की रक्षा करने में हम पूरी तरह सक्षम है। रैली रखे से बहुत प्रॉब्लम होगा सर। अगर कौनो गड़बड़ हुई तो बेकसूर लोग मारे जाएंगे सर। आई एम द सीएम ऑफ द स्टेट। जब हम ही यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो हमारे राज्य के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आई हैव टू गो। सॉरी सर, बहुत से सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होंगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्योंकि रैली में कौन लफड़ा नहीं होगा सर। Hey, you shut up. सर, ये बहुत ही सनकी और सरफिरा किस्म का है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने में रिस्क तो होगा ही, और रिस्क का दूसरा नाम है पुलिस। रिस्क लेना है तो अकेले लो, सीएम साहब को काहे खतरे में डाल रहे हो? कमिश्नर बैठा। हाँ ऑफिसर। सर, हमका अपना प्लान बताओ। सीएम नाम की चिंगारी को पीछे से कौन फूंक मार रहा है? दोनों कार्तिक है, नया एसीपी लगा है। वल्ला उसके साथ झगड़ा नहीं करो, उससे समझौता कर लो। ऐसा हम नहीं आवाम बोले। मुजफ्फरपुर में ऐसा कौन मर्द पैदा हो गया जो राउफ लाला को ललकारे? निकाले दो उस सीएम को रैली। अपने लौंडों को बुलाओ, जम के मुकाबला करेंगे। अपोजिशन को मारने वाले को 5,000, पुलिस वाले को मारने को 50,000, जो सबसे ज्यादा विकेट गिराई उसको 50,00,000 का बोनस। वसीम, अब इतना खून बहाओ कि 1 महीना तक सड़क ना सूखे। उस सीएम की हार और जीत का सहारा हमारे बेटे इरफान के सर होगा। ओ का कहो, रैली शुरू करें। सीएम की एंट्री कब होगी हम बताएंगे। ओवर। पब्लिक पार्टी जिंदाबाद। 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 ए मौला, ईका ई रैली तो निकलने लगी।
जल्दी से हथियार लेके जाओ, कौन हो भी बचना नहीं चाहिए। फ्लाई। गो। टीम बी गो। टीम सी। वही होना, जरा दूरबीन देना तो। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, 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 पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। बड़ा भीड़ इकट्ठा हो रहा है, कौन है वो लोग? आप टेंशन नहीं लो, लेट देम कम। प्लान के हिसाब से 3000 पुलिस वाले आने वाले थे, कहाँ है वो? प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज कर दिए? गुंडा लोग को मरवाने का प्लान है कि हमको मरवाने का? पेट्रोल पंप फेंक रहे हो? फिकर ना ही करो, चाय बिस्कुट खा लो। मेंटल नहीं, मेंटल का भी बाप है। नेटवर्क बंद। अरे ए, टीवी कैसे बंद हो गया? हा? जल्दी जाके चेक कराओ, जल्दी कराओ। अरे जाओ, देखा नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया, अपने लौंडों को फोन लगाओ। अरे जल्दी करो, नेटवर्क नहीं आ रहा। वैसे कैसे? एक मिनट, नेटवर्क कैसे चला गया? पोजीशंस। क्या चल रहा है? दंगा हो गया साहब, वो देखिए वो रहा। अबे ये कौन है रे तू? कौन है तू? पिछले 30 सालों से ही मुजफ्फरपुर में पुलिस वालों को कुत्ता बना के रखा हमने। अबे वर्दी के गुलाम, काट के रख दूंगा। अच्छा है। का? का अच्छा बे? थोड़ा जोक अच्छा है, एक और सुना। मजाक लग रहा है तुमको? मजाक लग रहा है तुमको? देख गौर से देख, ये शहर नहीं है, मोहल्ला नहीं है, गली नहीं है, जंगल है ही जंगल, और हम ही जंगल के शेर। अबे मच्छर की औलाद, मसल के रख दूंगा। पहले छू कर तो दिखा। तू शेर ना ही लंगूर है, लंगूर। ऑल क्लियर, सीएम की रैली शुरू करवाओ, हमारे लिए चाय बोल। अगर इका इनकाउंटर करेंगे तो ट्रिगर हम दबाएंगे। काटने से पहले बकरे को पानी पिलाते हैं। इका पूछ, चाय पिएगा या पानी? लाला जी चाय पिएंगे का? लेकिन तुहार वंश एक ही चलाएगा, इस वक्त दिमाग फसाद पे नहीं इलेक्शन पे लगाओ। नामाकुल। लाइन में लाइन करो, गाड़ी चल रही है।
हेलो ए लाइन में आ, लाइन में आओ, चलो चल, चल। हाँ पापा, मुहूर्त का टाइम हुई, कहाँ हो तुम? अभी 10 मिनट बाकी है, हम आ रहे हैं। कहाँ बुलाओ, आ रहा है कि मुहूर्त का समय हो गया, लड़के को बुलाइए। बलराम कौनो फालतू कॉल मत उठाना, ओनली इम्पोर्टेंट कॉल्स, ओके? सर यहाँ सब ठीक है ना? यहाँ सब कुछ ठीक है सर, बस सर ही ठीक नहीं है। डबल वोटिंग करेगा, क्या बात है, इसका पारा हमेशा ऊपर रहता है, ये हमारी तरह नॉर्मल का है नहीं रहता। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, रस्म शुरू करते हैं। कार्तिक कहाँ रह गए? बस रास्ते में पहुँच ही रहा है। सगाई का तारीख तो बहुत पहले फिक्स हो गया था, आज छुट्टी ले ले तो अच्छा होता। पुलिस का ड्यूटी है, कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकता है ना, मूड खराब मत कीजिए, हम लोग रस्म शुरू करते हैं। अंकल प्लीज बैठिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणा ध्वजा। लंच टाइम हो गया, बिरयानी का ऑर्डर दे दो जल्दी से। आप बिरयानी का बात कर रहे हैं, हम तो दो मूंगफली पे जिंदा है। इका जनून देखा तुमने, सोता खाता पीता ड्यूटी को ही बोल रहे हैं, खाने का कोनो जरूरत नहीं, अभी ऑर्डर करते हैं सबके लिए। आपका नाम लेके पूछे का? अरे पूछो हमारा नाम लेके, हम क्या डरते हैं? आपको भी डर नहीं सर, का है? भूख लगा है तो 4 mm की गोली खाएगा। यहाँ टेंशन है तो क्या, भूख लगी है? हम नहीं सर पूछे थे। सर देखिए इका, इके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और खाने के खातिर आपका नाम खराब कर रहे हैं। हमको भूख नहीं है, हमने इसे कुछ नहीं कहा, जरा यहाँ आवा तो जा डंडा खा। जन्म जन्म का भूखा तो का भूख लगी है? आप ही हमको पूछने के लिए बोले, बाद में झट से पलट गए। खा ईमानदारी का पुतला से, ये हवा खा के जी रहा, तुम डेली तो खाना खाते हो ना। ओम मंगल मूर्तये नमः ओम। अरे उठाओ ना, सर का फोन है, बोले इम्पोर्टेंट कॉल उठाना है, आप उठाइए। रहने दो रहने दो, कौनो जरूरत नहीं है बेकार के फोन उठाने की। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि, भूख से तुम्हारा सकल सत्तु जैसा हो गया, जाओ कुछ खा लो। खाने में क्या रखा है? आई एम नॉट हंग्री सर। अरे भूख से मर गए तो शहीद लिख दीजिएगा। सर की मंगेतर का फोन है, लगता है कुछ अर्जेंट बात करना है, आप कीजिएगा। पगला गए होगा, हम नहीं कर सकते। अरे सर हम इंस्पेक्टर होके नहीं डर रहे, आप कमिश्नर होके डरे जा रहे हैं। ये का बोला रहे? हम डरत है, लाओ फोन दो। बात कीजिए, बोलिए। हेलो हेलो, दिमाग है कि नहीं, अपनी बहन की सगाई में भी नहीं आए? तुम एक नंबर के गधे हो गधे, तुमका तो कचोरी की तरह तल देना चाहिए। गरम तेल में छछुंदर कहीं के, हमका तो मन कर रहा है तो का झाड़ू से मारे। एक नंबर के गधे हो तुम, जंगल में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे वो तो सर को बोल रही है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फ्लैट हो जाएंगी। देखिए हम कार्तिक नहीं है, हम कार्तिक के बड़े साहब। हम तुम्हारा ही नंबर ढूंढ रहे थे। काहे को? बहन के एंगेजमेंट के दिन काम पर कौन बुलावत है? बहुत ही इमरजेंसी, तुम्हारे दिमाग का चेकअप करवाओ। हम बादाम खाते। शट अप, ना जिम्मेदारी का सेंस है ना टाइम की परवाह, जाहिल हो काम करवाते रहते हो, एक नंबर का इडियट हो। हमें गाली दे, तुम तो दिन में 3 बार खाते ही हो। लंच का टाइम हो गया, अभी पकोड़ा भी नहीं खाया हमने। हमका बनाओ मत, पकोड़ा नहीं खाया हमने, झूठे कहीं के, हम वहाँ आ रहे हैं 10 मिनट में, फिर खिलाते हैं तुमका अच्छे से। अपनी मंगेतर को बहुत अच्छा से ट्रेन किए हैं। ए कार्तिक, यहाँ आवा तो, इम्पोर्टेंट कॉल समझकर फोन उठाए हम, और तुम्हारा फियांसी ने खूब गाली दिया हमको, अब तुम्हारे घर में एंगेजमेंट है, ठीक है? हमको सपना आया था, सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सॉरी उका कहो, नहीं तो यहाँ आकर नौटंकी करेगी। सर हमें ईवीएम के साथ जाना पड़ेगा। बलराम मोबाइल चलाना जाना तो? हाँ सर। हर 10 मिनट में दिव्या को सॉरी मैसेज भेजो, ओके? चलो हम चले सर। अरे टीका फैमिली से कौन लेना देना ही नहीं। इस साल काफी लोगों ने वोट किए हैं, तो का इस साल पीपल्स पार्टी जीतेगी। मुजफ्फरपेट से सब मीनाक्षी पेट तक फैल जाओ। यस सर। स्टेटस बताइए। सब कुछ कंट्रोल में है सर, 2 घंटे में कर्फ्यू हट जाएगा और वहाँ। हे दिव्या। हाय। सर ये हमारे फियोंसी है। दिव्या ये हमारे बड़े सर हैं। नमस्कार। ये तो मिश्री से भी मीठा मीठा बात करती है। एक बात बताए तो, हर किस्मत जो है गोल्ड माइन जैसा। हमारे दिल के रेगिस्तान में दिव्या ने प्यार के खाद का छिड़काव करके गेंदे के फूल उगा दिए हैं। सही कहे ना दिव्या? क्या बोल रहे हो तुम? लड़कियों का दिल बहुत ही नाजुक होता है, हमका माफ कर दो। जाने में 92 टाइम्स कह चुके हो हमसे। सेंचुरी में 8 का 92 टाइम्स काटी। बलराम की टाइपिंग स्पीड बहुत ही फास्ट है, उनका प्रमोशन कर दीजिए सर। सॉरी इसका होलसेल 93 था, आज सॉरी डे है का? और तुम्हारा फोन कहाँ? फोन था ना वो, फोन कहाँ? वहाँ चार्जिंग पे रखे हैं ना? वहाँ फोन चार्जिंग पे रखा है, अभी जाकर लेकर जाइए, नहीं तो नौटंकी शुरू हो जाएगी। आपसे मिलके अच्छा लगा सर। रुका रुका दो जल्दी, कहाँ भिजवाना है? पुलिस फोर्स, मामला टाइट है ना। चुम्मी का बरसात काहे कर रहे? ये तो हम सर के तरफ से भेज रहे हैं। अरे कब की आ चुकी है वो? सीनियर का फियांसी को चुम्मी दे रहे हो? नहीं फोन दो उनको। एक बार फिर से कहो ना हमसे। का कहे? वही जो तुम अपने बॉस के सामने कह रहे थे। हमारे दिल की जमीन को प्यार के फवारे से तुमने भिगो दिया। वादा करते हैं कभी सूखा नहीं पड़ने देंगे। मुजफ्फरपुर इलेक्शन के नतीजों ने सबको हैरत में डाल दिया है। 30 साल से यहाँ लाला परिवार सत्ता में था। पीपल्स पार्टी की सफलता को देखकर लाला परिवार के सत्ता की नींव हिल चुकी है। रऊफ लाला के बेटे इरफान लाला की इस चुनाव में जमानत जब्त हो गई है। म्यूजिक बंद करने के लिए बोले।
होम मिनिस्टर के बेटे की पार्टी चलत रही। हाँ तो क्या हुआ? ए, हम बंक करवा के आते हैं भैया। रुको, ए डीजे, म्यूजिक बंद। आज हमारी हार का दिन है और तू पार्टी मना रहा है। ए इरफान, यहाँ सीन क्रिएट मत कर, चल निकल यहाँ से। हमको धमकी मत दे, हमारे पापा होम मिनिस्टर हैं। एक फोन करूंगा पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। यहाँ से चलिए 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 चलिए। ए डीजे, गाना बजा, लेट्स बिगिन द पार्टी। जब से एसीपी कार्तिक ने एरिया में एंट्री मारे है ना, दोनों बाप बेटे को डिसेंट्री लग गया है। ये हैप्पी बर्थडे। तू पापा को फोन करा था ना, कर 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 कर। का लगा हम इलेक्शन हार गए तो जंग हार गए? आंख नीची कर, इरफान नाम है हमरा, डर भी हमसे कांपत है। वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी पापा, हमारी आंखों के सामने मार डाला। कुछ करिए डैड, नहीं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चिंता ना ही करो, तो कौनो टेंशन मत ले। लाला के आदमी लोग आए हैं सर। हमारे बेटे से गलती हो गई, मुंह बंद रखने की कीमत 100 करोड़। इमोशन को कटर में डाल और मैटर को क्लोज कर दे। 10:30 फ्लाइट, मजा कर, समझा? मयूरी रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट शालिनी की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या कर दी गई है। पुलिस उसके हथियारों को ढूंढने में जुट गई है। केस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही काबिल अफसर अपॉइंट किए हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, वो सबूत ढूंढ निकालेगा। हमारा अफसर उनका सलाखों के पीछे डाल देगा, ये हमारा जनता से वादा है। सर, शालिनी की पार्टी में इरफान लाला ने काफी हंगामा किया था, आपका इस बारे में क्या कहना है? सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। वो लड़की का अफेयर था, बदचलन थी वो। हो सकता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड ने मारा हो, लेकिन ये भी अफवाह हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मालूम पड़ जाएगा। टीवी देखत रहो। हमको मदद चाहिए, पुलिस ऑफिसर ने हमार बेटी पर बच्चलन होने का आरोप लगाया है। सुजाता मैम विद्यार्थियों को हमेशा अच्छाई और बुराई में फर्क बताती हैं, और आज वो अपनी बेटी का इंसाफ मांगने के लिए धरने पर बैठी हैं। आज एक पुलिस ऑफिसर ने हमार बेटी के कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। का पुलिस ये साबित कर पाएगी कि हमार बेटी बच्चलन थी? हमको इंसाफ चाहिए। क्या गारंटी है कि दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होगा? हमारे देश में नारी सुरक्षित नहीं है, बहुत ही शर्म की बात है। इसे ये पता चलता है कि हमारी सरकार निकम्मी है। शालिनी की माँ को न्याय मिलना चाहिए, वो पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। ये सब ना इंसाफी है, कातिल का सजा मिलनी चाहिए। अगर हमका इंसाफ नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल करेंगे। बुड़बक्का ही का पूरा खेल बिगाड़ दिया हमरा। ऐसा सांप को देखे हो जो पोर्क्यूपाइन को मुंह में डाल लिया है। अबू का उगला तो जबड़ा फाड़ देगा और निकला तो पिटवा फाड़ देगा। एक तरफ रौफ लाला नाम का कुआं तो दूसरा तरफ हाई कमांड नाम का खाई। ऊपर से स्टूडेंट हम पर प्रोटेस्ट नाम का गोली चला रहा है धाई धाई। सर, हमने तुरंत कड़े कदम नहीं उठाए ना तो डिपार्टमेंट का नाम खराब हो। चूड़ी भिजवाते हैं पहन लो, हमारा बगल का पसीना के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारा डिपार्टमेंट। सर आप बुरा मत मानिएगा, हमको पहले पावर दिए हो। अरे अभी देते हैं तुमको पावर, बोलो क्या उखाड़ लेगा तुम्हारा डिपार्टमेंट? भेजा भन्ना रहा है। हाँ, पहले ही कचरा को बाहर फेंको, कोई दमखम वाला आदमी ढूंढो। अफसर बदलता ही मामला शांत हो जाएगा, हटाओ इसको। ये आप क्या कह रहे हैं? तो इंटरव्यू काहे दिए? टीवी के सामने बंदर जैसा कूद कूद के अपना गटर जैसा जबान से काहे बकवास किए? भाई साहब, सर लाएंगे कि तुम्हारा कथकली बंद हो जाएगा। सर Students, hi, hi. वो पार्टी में 50 लोग थे, अगर 50 मिलकर वो गुंडे को पकड़ लेते तो आज ही नौबत आती का? धर्म के नाम पर व्हाट्सएप पर ग्रुप बंदी करते हो, नफरत से सुलगते मैसेज को फॉरवर्ड करके नफरत की आग को और भड़काते हो, अत्याचार के खिलाफ ग्रुप काहे नहीं बनाते हो? हमारा नाम कार्तिक है, ये केस को आपसे हम हैंडल करेंगे मैडम। हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे, ये लीजिए।
आप पर का बीत रही है इका अंदाजा है हमका। एक माँ न्याय की लड़ाई हार चुकी है, पर एक हिंदुस्तानी नागरिक जरूर जीतेगी। जब जब हमारी भारत माता पर कोई आंच आई है, तब तब ई देश की माँ ने योगदान दिया है। आपका ई बेटा आपको इंसाफ दिलवाएगा। हमको हमारे फर्ज की कसम है माँ, कातिल चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी छिपा काहे नहीं हो, हम अरेस्ट करेंगे। बिना विटनेस कैसे अरेस्ट करेंगे? कौन कह रहा है कि विटनेस नहीं है? विटनेस है, खुद वो कातिल विटनेस है। हर मुजरिम ये सोचता है कि हर पुलिस वाला बेईमान है, लेकिन जिस दिन उनका ईमानदार पुलिस वाले से पाला पड़ेगा, उनकी लाश नाले में होगी। इंडियन पुलिस नंबर वन। थैंक यू मैम, थैंक यू। कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक जिंदाबाद, कार्तिक पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, परफेक्ट जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस। हमारे डिपार्टमेंट की पुलिस को दो टीम में डिवाइड करो, और हमका इस केस की फुल डिटेल 2 घंटे में हमारी टेबल पर चाहिए। कोई भी लापरवाही ना हो, एक भी सुराग ना छूटे। Now move! Yes, sir. Yes, sir. सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है सर। सर 50 लोग थे पार्टी में, कौनो भी आई विटनेस बनने को तैयार नहीं। सर बाउंसर्स और वेटर ने कहानी बनाई, वो कह रहे थे कि लाइट जाने की वजह से उन लोगों ने कुछ नहीं देखा। सर इरफान का कार 9 बजे क्लब में गया और 11 बजे बाहर निकला, और अफवाह है कि इरफान ने ही शालिनी को मारा है। शालिनी के फ्रेंड्स की कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप डेटा हमें चाहिए। डोंट लीव एनी क्लू। पार्टी में आए लोगों के कॉल डिटेल्स ई पेन ड्राइव में है सर। गुड, सबसे पूछताछ करो। पार्टी में शालिनी का बॉयफ्रेंड भी था सर। उसका नाम क्या है? धीरज। तुम शालिनी के बहुत अच्छे दोस्त हो, ई हमका व्हाट्सएप से पता चला। सच को मक्कारी के पर्दे के पीछे ना ही छुपाओ। हेलो, कार्तिक का फोन दो तुरंत। ओके मैडम, ओके, वन मिनट। सर का है? दिव्या मैडम का फोन। हम ड्यूटी पर है, समझता नहीं का? फोन स्विच ऑफ कर दो। ओके ओके सर, सॉरी। गाड़ी स्टार्ट कर। यस सर। कलकत्ता के घोष बाबू को भूल नहीं जाना। उनका भेज दिया। और हाँ, लखनऊ के यादव साहब। सबसे पहले तो ई कार्ड अपने बेटे को दीजिएगा। अरे बेटा, ई कैसी बात कर रही, दूल्हे को कौन कार्ड भेजता है? आपकी और हमारी फैमिली शादी के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर कार्तिक को कौनो इंटरेस्ट ही नहीं। क्यों, का हुआ बेटा? कार्तिक को तुम्हारा झगड़ा हुआ का? वो भी होता तो बहुत अच्छा होता, इसी बहाने हम दोनों एक दूसरे से बात तो कर लेते। हम जाना थे क्योंकि ड्यूटी उसके लिए सब कुछ है, लेकिन ड्यूटी और फैमिली को कभी मिक्स तो नहीं कर सकते ना। उस दिन वो मंगनी में नहीं आया था तो आप लोग कितने उदास हो गए थे, हम इतना दुख सहन नहीं कर सकते। ये शादी कैंसिल कर दीजिए। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए बेटा। नहीं होगा, कार्तिक की शादी पहले ही उसकी ड्यूटी के साथ हो चुकी है, वही उसका पहला प्यार है। शादी करके आप हमारी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। चलते हैं अंकल, माफ कीजिएगा। का हुआ, अब तक सोए का है नहीं? बस नींद नहीं आ रही है। अब तक हम ये डर में जी रहे थे कि तुम कहाँ हो, पर अब ये डर सताने लगा है कि हमारे बाद तुम्हारी माँ तुम्हार दोनों बहनों को ठीक से संभाल पाएंगी, उनका घर बसा पाएंगी, या वो दोनों दर बदर की ठोकरें खाएंगी। तुम्हें ये याद होगा कि 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है, पर ये नहीं मालूम कि शादी कैंसिल हो गई। कैंसल? कल तक वो तुम्हारे प्यार में पागल थी, आज वो खुद मना करके चली गई। ऐसे कैसे?
पर प्रॉब्लम का थी? प्रॉब्लम तुम खुद है हो। शादी फिक्स होने के बाद एक बार भी तुमने उससे बात की? तुम खुद है बोलो। फोन करके पता किया कि उसे का पसंद है का नहीं? नहीं ना। तुम्हारी एक झलक देखने के खातिर रात भर जागकर हमें इंतजार करना पड़ता है। तुमसे बात करने की खातिर कौनो इम्पोर्टेंट मैटर होना चाहिए। वैसे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? हमारे लिए तुम्हारे साथ शांति से बैठकर एक कॉफी पीना इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी माँ के लिए प्यार से एक दिवाला खिलाए उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे बहनों का तुम्हारे साथ शॉपिंग करना, तुम्हारे साथ खाना खाना उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सारी बातें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिंदगी भर हम तुम्हारे खातिर एक माँ बहन और बाप का रिश्ता निभाते चले आ रहे हैं, पर क्या तुमने एक दिन भी इस घर का बेटा होने का फर्ज निभाया? हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हमें हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखो, पर हमारी थोड़ी सी फिक्र तो कर सकते हो ना? ऐसा नहीं है, हमारा काम ही ऐसा है पापा, आप तो जानते हैं ना। काम तो हर इंसान करत है, पर तुम्हारी तरह जिम्मेदारियों से कोई मुंह नहीं मोड़ता। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी के पहले तुम ही घर के बेटे हो। आखिरी बार तुमने ये ड्यूटी कब निभाई? ये उम्र में हमका ऐसो आराम और दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्यार की जरूरत है। जिम्मेदारी ना निभावे से इंसान नौकरी खो देता है, पर रिश्ता ना निभाने से जीवन खो देता है। पापा। ए जी। सॉरी बेटा, भावनाओं में बह के तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। तुम दोनों जाके सो जाओ, तुम भी जाओ। सॉरी बेटा, आराम करा। हेलो, आप एसीपी कार्तिक? हाँ, बोल रहे हैं, आप कौन? सर, हम शालिनी का मर्डर होते हुए देखे। कहाँ हो तुम? प्लैनेटोरियम में। तुम वहाँ से हिलना मत, हम बस 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। कहाँ हो तुम? सर वहाँ हम डर रहे थे। तो इस वक्त कहाँ हो? IMAX पर है सर। वहीं रहो, हम आ रहे हैं, कहीं जाना मत। ए, ये ट्रक बीच में पार्क किसने किया है? हटाओ इसे। ए, रुक जरा, बाइक देना। एक्सक्यूज मी, संदीप? नो सर। ओ सॉरी। हेलो। क्या बुड़बक, पिक्चर देखने आया है? अबे तुम्हारा नाम बता। इरफान। अरे अपने बाप को भी नहीं पहचाने, आई विटनेस ना ही मिलेगा, भूल जा। इरफान के खौफ से आतंक भी कांपत है। अबे लुखे, आज 15 अगस्त है, अंग्रेजों के चंगुल से आज हमारे देश को आजादी मिली थी, तोरे रूह को भी आजादी मिल जाएगी। ए पुलिस, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तोरे डर के लिबास को उतार कर उसका कफन बनाकर हम तोरा जनाजा निकालेंगे। तू तो गया, तोरी एक्सपायरी डेट आ गई, कन्फर्म। सर, हम सुने कि तुम इरफान को मारने का धमकी दी है। धमकी नहीं दी, कन्फर्म मारने का मुहूर्त निकाला है। इरफान की लाइफलाइन खत्म, लाला को बोलो कि कब्र बुक कराएं। कनवा में प्रॉब्लम है का? होम मिनिस्टर होकर क्रिमिनल को सपोर्ट करत हो तो पब्लिक में का इम्प्रेशन पड़ेगा? अनपढ़ चौथी फेल। का बोला रे? कान मार राई का तेल डाला कर। अमरी सरकार आजकल स्विस बैंक से काला धन लाने की बात कर रही है, तोहरा अकाउंट हमका मालूम है। हैं? दीमक की तरह देश को खोखला करने वाले गंदे नाली के कीड़े। हाँ, होम मिनिस्टर को गाली दिया, सस्पेंड कर दूंगा। अरे हमारा बॉडी को गार्ड करो, तू गाड़ी स्टार्ट कर ना। अरे तो पगला गया है। सस्पेंड करेगा हमका, तू करेगा? रुक बे। वर्दी हमका 6 गोली मारने की इजाजत देती है,
जिस दिन ही वर्दी उतर गई उस दिन लोहा लकड़ी काटा चम्मच हथौड़ा जो हाथ लगा उसे हथियार बनाऊंगा। अनपढ़ होकर पढ़े लिखों से पंगा मत लो। हम कन्फ्यूज आ गए हैं, तुम्हारा छोटा बेटा पागल है कि बड़ा? ए, का बकवास कर रहा है? अरे इरफान को जिंदा रखना है तो उसको अंडरग्राउंड कर। इधर आओ भाई, इधर आओ, इसको अभी के अभी एयरपोर्ट लेके जाओ। चलो बेटा, तू जाए के दुबई घूम के आ, ये तुम्हारे बाबा का हुक्म है। जाओ, अपना ख्याल रखना। मारूका खतरे से बाहर है लेकिन उसको आराम की जरूरत है। डॉक्टर सर, सर क्या कर रहे हैं सर? आपका तबीयत ठीक नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारी बात सुनिए। Where is my shirt? हमारा जाना बहुत ही जरूरी है डॉक्टर, हमारी वर्दी दीजिए जल्दी। बात सुनिए, इरफान हिंदुस्तान छोड़कर चला जाएगा। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारी वर्दी कहाँ है? अगर इरफान बच गया तो और बेगुनाहों का खून बहेगा। सर, हमें गन कहाँ है? हमने शूज कहाँ है? आज अगर उनका नहीं रखा तो हमारे हाथ से बच जाएगा। हम भी इरफान को नहीं छोड़ेंगे। इरफान मर चुका है डॉक्टर। सर आराम से। सर, का आप लेट सच कह रहे हैं? हाँ, और का इनकाउंटर में तुम ही ने तो उसे मार गिराया। आप आइए आइए आइए, चलिए। नर्स जी, डॉक्टर कल जब उसे सच मालूम पड़ेगा। आपने तो उसका गुस्सा देखा? इतनी नाजुक हालत में भी अपनी ड्यूटी को लेकर कितना जुनून है उसमें। जिस दिन से यूनिफॉर्म पहना है उस दिन से एक दिन भी हमारा बेटा बनकर नहीं रहा। पुलिस डिपार्टमेंट में आपको कार्तिक जैसे और भी ऑफिसर मिल जाएंगे सर, पर हमारे खानदान का इकलौता चिराग है। प्लीज सर, कुछ कीजिए प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। प्लीज सर, आप ही क्या कह रहे हैं? मत जोड़िए हाथ। पर हमारे खानदान का इकलौता चिराग है। प्लीज सर, कुछ कीजिए प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। प्लीज लाला। कमिश्नर, ऐसा होता है कॉम्प्रोमाइज, जिसने हमारे बेटे का ये हाल किया उसका खानदान हम खत्म कर देंगे। भेड़िया को शिकार करते हुए देखा है? देखा है? उससे भी बुरा हाल करूंगा। तू भेड़िया का बात करता है? अगर तू भेड़िया है तो कार्तिक शिकार करने वाला बब्बर शेर। एक मामूली 4 mm का गोली लगने से तेरा बेटा कोमा में चला गया और उसका सीना में 9 mm का 4 गोली घुसा है। डॉक्टर ने बोला उसे ठीक होने में 4-5 महीने लगेंगे और 5 मिनट में वो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हो गया। जाना था उसका सबसे पहला सवाल कहा था कि वो इरफान कहाँ है। बोलत रहा कि वो इरफान नाम का पाप का घड़ा को हम फोड़ूंगा आज, और तू यहाँ उसको मारने का बात कर रहा है। अगर उसको भनक भी लगा कि इरफान अभी तक जिंदा है तो ICU में घुस कर मारेगा उसे। अरे भगवान से पहले वो ड्यूटी को मानता है। अपने अनुभव से कह रहे हैं, तुमसे कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आए हम, सलाह देने के लिए आए हैं। तुम्हारे बेटे को उसके हाथ से मरने से बचाने का केवल एक ही तरीका है। रऊफ, ऐसा कर तू खुद ही मार दे उसे। तू पागल हो गया है? शूट आउट में उसका इनकाउंटर हो गया ऐसा अफवाह फैला दे तू। कार्तिक को इस बात का विश्वास दिला
पुलिस के रिकॉर्ड में भले ही उमर जाएगा पर तुम्हारे लिए तो जिंदा रहेगा ना। दिमाग से सोच, दिल से नहीं। हाँ एक और बात सुन, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड उसका कौनो केस अभी तक पेंडिंग नहीं है। मुजफ्फरपुर के एमपी रऊफ लाला के बेटे इरफान लाला के जना। तुमको बचावे खातिर और रास्ता नहीं था, तुम्हारी हालत हमसे देखी नहीं गई। पापा आप ही कहे थे कि फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने अपनी ड्यूटी को इंपॉर्टेंट समझा। आज हम समझ गए हैं कि फर्ज और रिश्तों को बैलेंस करना ही जिंदगी है। पुलिस की नौकरी गंवाने का अफसोस नहीं है हमें, पर हम एक माँ से वादा किए थे कि उसका ये बेटा उसको इंसाफ जरूर दिलाएगा, पर ना ही दिला सके। पर हम उनको दिया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपके इजाजत के बगैर ना ही करेंगे। हम का करें पापा? जरूर जाओ, जाओ बेटा। काका है, कार्तिक वापस आ रहे हैं। अरे सुनती हो, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पे हमारा इंतजार करना बंद कर दो, और हो सके तो भूल जाओ कि तुम्हारा ब्याह भी हुआ है। बापू आई एम बैक। महीना भर का टिफिन हमको। वेलकम सर। क्या हो रहा है, इतना दिन बाद बड़े साहब का एंट्री हुआ है। उनका स्वागत करिए, बुके ले आइए, हार माला पहनाइए, बेसन के लड्डू खिलाइए। बल्लू बलराम, हमार कुर्सी हड़पना चाहते हो? सर आते ही खींच रहे हैं। किसका फोन था? सर आपकी बहू का फोन था। अगले हफ्ते उसका बर्थडे है ना, कह रही थी छुट्टी लो। हम कहे कि छुट्टी उट्टी का बात की ना तो तुमको हम डिवोर्स दे देंगे। ठीक किया ना सर। पगला गए हो का? प्रेम की अगरबत्ती से अच्छी सुगंध किसी की नहीं होती। पत्नी मतलब गुलकन वाला मीठा पान, जब चाहे चबाए। इस सरको का हो गया, सुधर गए का? जौन पत्नी का पति उका बर्थडे पर बाहर खाने ना ले जाए, वो पत्नी को अपने पति को भूखा मार देना चाहिए। राइट, छुट्टी ले। वाइफ को बैलेंस करो। नहीं समझे? एक जोड़ा मांगे दो दिलाओ, बैलेंस। घर पे खाना ना पका है तो बाहर से ऑर्डर करो, बैलेंस। ड्यूटी फैमिली बैलेंस। सर 60 मर्डर केस, 150 चीटिंग के केस, 440 चोरी के केस, टोटल 650 केसेस पेंडिंग। एक हफ्ता में खत्म कर देंगे सर। ऋषि हम काम चोर थोड़ी ना है, ऊपर से प्रेशर आने दो। इंक्रीमेंट और सैलरी में बैलेंस होना चाहिए। हाँ। ज्ञान मिल गया? ऋषि इरफान की फाइल ला, अब हम थोड़ा काम करेंगे। बलराम, लाला का सबसे खास पाला हुआ कौन है? मौला पठान सर। ऐसा होती तो चलती। जो कौन भी ला उसके बाद बड़ा इधर बनेगा। ए उजड़े, जा अपने बाल उगा क्या। पठान, मौला जी। बोलो इधर काहे आए? हम कुछ जानत नहीं। हम कुछ पूछने नहीं आई, गुफ्तगू करने आई। हमसे कैसी गुफ्तगू करनी? पठान साहब, हम किसी का एनकाउंटर करके आ रहे हैं, मरते वक्त वो हमसे एक बात कहे। बोलो। एक बहुत ही जानलेवा फॉर्मूला है जिसे कोई नहीं बना सकता, वो सिर्फ आपको पता है। क्या बात करती? घबराओ नहीं, हमका वो फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो हमका बस वो फॉर्मूले से बनी चाय पिला दो, हम चले जाएंगे। चाय? हाँ मौला जी, अचानक हमें चाय की चुस्की याद आ गई, इसलिए चले आए। मतलब टी? हाँ हाँ वही। ए छोटू, दो चाय लेकर आ। हेलो, वो कार्तिक यहाँ आया है। क्या बात मौला जी। वल्ला क्या चाय है। चाय है? मरने वाला सही बोला था। शुक्रिया मौला जी। शुक्रिया शुक्रिया। आप एक चाय की टपरी काहे नहीं डालते? बलराम खुदा हाफिज मौला जी। कार्तिक आया था का? हाँ आई थी। तो का करने आया था? चाय पीने आई थी और बोला कि हमसे अच्छी चाय कोई नहीं बनाती। उमा इतना बड़ा मसला तुम क्यों खड़ा करती? का? चाय पीने आया था? हाँ, और हमको अपना खूबी अभी पता चली। इरफान के बारे में तुमसे कोनो सवाल पूछा? उसका जिक्र और फिकर दोनों नहीं किया। फिर कहाँ आया था? अभी तो बोला लाला चाय पीने को आई। गलती से भी उके सामने इरफान का नाम मत लेना। तुम जानत हो ना इरफान मां। ये कब हो गया? मौला समझा कर यार। अभी समझ आया, हमारा दिमाग कमजोर हो गई। बुड़बक कहीं का। हम चाय छुपा लेते हैं। मौला जी, आप जल्दी जल्दी राज उगलिए, हम लिख लेंगे। कोनो राज नहीं है, और अगर होगा तो हमरे साथ दफन होगा। बलराम सर, तुम्हारे कान के पर्दे पे पर्दा डाल। ओके सर।
जल्दी से राज का पर्दाफाश कीजिए। तुमको हम कुछ नहीं बताती। हम नहीं चाहते कि हम तुमको लॉकअप ले जाकर डंडा मारकर उगलवाएं। बस एक सीक्रेट बता दीजिए, चाय की पत्ती कौन सी दुकान से लाए? चाय का पत्ती कौन दुकान से? ये बुड़बक सुन लेगा, थोड़ा धीरे बोलिए। चाय का पत्ती? हाँ, वही दुकान से लेते। हाँ, सुल्तान बाजार में बड़े दरख्त के पीछे। अच्छा? एक ही दुकान है, दुनिया के लिए 450 और हमारे लिए सिर्फ 400, ओनली 400। मौला जी तुम राज बताई, हमारा दिल बाग बाग हो गई। मौला जी एक सेल्फी हो जाए। अभी तुम्हारे घर कौन आया था? वही इंस्पेक्टर जो पहले आई थी। तुम सठिया गए हो क्या? बकवास मत कर। उसने तुमसे कोनो अंदर की बात तो नहीं पूछी ना? वही पूछी कि हम चाय की पत्ती कौन सी दुकान से लेती। उसके अलावा हम राज की बात कोनो नहीं बताती। ये भी नहीं बोली कि इरफान जिंदा होती। इरफान तो मर चुका है। कहा? आज फिर से मर गई। मौला कब समझेगा तू? अपना प्लान भूल गया होगा। समझ में आ गई, हमारे बेजे में घुस गई। तू पुलिस वाले को कोनो भी सवाल का जवाब मत देना। ठीक है, आप कमाल देख भैया। मौला जी, पठान साहब, मौला जी। अच्छा हुआ हमका आते हुए किसी ने नहीं देखा। इसका पता नहीं, हमने देख लिया। मौला जी जाओ, तुम्हारे कदम को आगे मत बढ़ाओ। एक कप चाय मौला जी। चाय खत्म। चाय बनानी, पीनी, पिलानी सब बंद। और तुम भी यहाँ पे मत आना मौला जी। मौला जी जरा यहाँ आइए। मौला जी, अगर दूध खत्म हो गया हो तो हम पटना से गाय मंगवा देंगे। अगर गैस का बाटला खत्म हो गया हो तो हम पाइपलाइन बिठवा देंगे। चाय से चाहत बढ़ती है पठान, मत ले जान। अगर बगैर चाय पिए हम मर गए तो हमारी आत्मा ई घर में भटकेगी। सौ का पत्ती रखो और चाय पत्ती मंगवा लो, हम एक घंटे में आता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। मौला जी, पैसा कम पड़े तो हम और दे देंगे, फिकर नॉट। सुन लिए? हाँ, सुन लिए। तो फोन लगाओ। हाँ, लगाते हैं। उसने तुमको पैसे दिए? कहा दिए तो कहा, किस लिए दिए? अरे सामान मंगवाए खातिर। कौन सा सामान? चाय की पत्ती और दूध मंगवाने के लिए। लात का है मारी। हमको उल्लू का पट्टा समझ रखा है का? इन्फॉर्मेशन के बदले में उसने तुमको पैसे दिए। लाला हम सच बोलती। ओए तू जा यहाँ से, बिक गया है तू, लानत है तुम पे। हाँ, हाँ, बिक गए हम। इस 100 की नोट लेके हम काबुल खरीदेगा है। हाँ? भाई हवाला, भाई हवाला। बड़ी कीमत लगती है। ओए बुड्ढे तोहरी, तो हमको उल्लू बनाया, पठान को धोखा दिया। इसको उठाए के बाहर फेंको, हमको नजर नहीं आना चाहिए। हम अपने सवाल पक्का होती। ले जाओ लाला। ए तुम लोग भी जाओ रे। ए चलो रे। सर, लाला ने एक अननोन नंबर पे कॉल किया है। बेटा इरफान। हाँ बाबा। मौला ने पुलिस को तुम्हारी टिप दे दी है, तू जल्दी से बिनी मिल्स पहुंचा। किसी को भी ये बात की खबर नहीं होनी चाहिए। सर, इरफान की इन्फॉर्मेशन मिली है, वो बिनी मिल में शिफ्ट होने जा रहा है। उसका जनाजा वहीं से उठेगा। इरफान पतला हो गया रे तू, डाइटिंग पे होगा। जब दो मुर्गे लड़ रहे हो तो शुतुरमुर्ग को चोंच नहीं मारनी चाहिए। भैया को छूने से पहले तुझे हमको टच करना पड़ेगा। बोल बच्चन। इतनी वफादारी इस देश के साथ काहे नहीं निभाते बलराम? जब सरकार ने हमका गन दी है तो एका ठोक कर वफादारी दिखाए। दिखा दीजिए सर। बचपन में हमने एक फिल्म देखा था जिसमें गाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, एक बचने के चांसेस से सवा आना, एक हॉस्पिटल लेकर जाना और एक छूने से पहले हमको छू कर दिखाना। उधेड़ देंगे तेरी खाल, टेढ़ी हो जाएगी तुम्हारी चाल। ऊपर Oh!
यहाँ इसकी बॉडी को बहुत गाड़ किया रे, ऊपर नहीं जाएगा। ए बलराम, चाइनीज भेल खाते हैं, चला जा। उमा तो अभी भी जान बाकी है सर। उड़न तश्तरी में उसकी आत्मा बैठ चुकी है। कन पट्टी पर वार करके उसकी शांत पट्टी को शांत किया, फिर उसके कोलेस्ट्रॉल वाले सिक्स पैक्स पर वार करके उसका पैकअप कर दिया। मंजन ना किए हुए बासी मुंह का जबड़ा तोड़ दिया, पान खाकर यहाँ वहाँ थूकने का उसका बदला लिया, फिर उसकी छाती का कारपेट एरिया तोड़ दिया। तब वो जाकर मीटर बॉक्स से ऐसे टकराया कि उसका केबल ही चोट हो गया। लाले, तेरे लाले की जान को कोई नाले में डाले उसका पहले ही उठा ले, वरना सूखे गीले कचरे के चक्कर में म्युनिसिपैलिटी वहीं छोड़ देगी। सफाई खत्म हुई। अबे क्या तू क्या है, अबे को दवा दे दो, ठीक हो जाएंगे। अबे अब ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, सो गए। एक बात कहें, जब हम इतना थकावट के बाद घर पहुंचते हैं तो बीवी हमारा इंतजार कर रही होती है, बहुत रोमांटिक लगता है। ए मलेश, गाड़ी रोक। सॉरी सर, हमारी बुझी मोमबत्ती तूने जला दी। एयरपोर्ट ले रहे? हेलो, यहाँ काहे बुलाए? पुष्पा, वो हम अकेले अकेले कब तक, वो अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो। बकवास बंद करा, बहानेबाजियां नहीं चलेंगी, पॉइंट पे आ। पुष्पा, हम अत्यंत दुखी तो। आर्मी ज्वाइन किए हो, कमांड कर रहे हो या डिमांड? रिक्वेस्ट करा, फिर से ट्राई मारो। ए पुष्पा 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 पुष्पा, टिकट ब्लैक कर रहा है या बीच पर चना बेच रहा है? रिक्वेस्ट बोले। तोरे संग बसाएंगे घर हम। नर्सरी का पोयम सुना रहे हो? हम गाना गाने के लिए नहीं बोले थे, कुछ नया ट्राई करो। नया ट्राई करते हैं, पर क्या करें क्या करें। पुष्पू, नहीं नहीं नहीं, ले डालता हूँ पप्पी, मीठी है। इधर आ, पास आ, अब सही है। एवरेस्ट पे तंबू गाड़ के हनीमून मनाएंगे। अच्छा, वहाँ अगर बर्फ में बिना रेनकोट के भीगेंगे तो चलेगा? चलेगा। वहाँ अगर हमका बहुत ठंड लगी तो हम तुमका कसकर पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है।